सो रहा हूँ, नींद ही आ रही। इसमें रख दे कागज। बात चोरी है। तो फोन किसकी तरफ है, इसमें क्या हो? कब तक स्टार्ट होगी? अभी तक 6 बजे होंगे क्या? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इवनिंग। चलिए हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे, और चाहे तो आप हमारे साथ अपनी प्रेयर करें या आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। चलिए सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांसें लें। सांस लें, सांस छोड़ें। सांस लें, सांस छोड़ें। अपना पूरा ध्यान ब्रह्मांड की तरफ लेके जाएं और ब्रह्मांड से एक सफेद रंग की ऊर्जा को अपनी तरफ आता हुआ देखें। अब ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, आपके सर से आपके शरीर पर आ रही है। एक झरने के समान आपके शरीर पर गिर रही है एक शावर लाइट, और आप उस लाइट के अंदर बैठे हुए हैं। सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर निकल रही है। एक काले धुएं के समान आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती जा रही है। विजुलाइज करें कि सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, आपके विचारों की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार का आपके मन में आपकी भावनाओं में दर्द है, वो सभी दर्द बाहर निकल रहे हैं। अगर आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है, कोई पेन है, वो दर्द वो पेन बाहर निकल रहा है। एक काले धुएं के समान वो दर्द आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। एक सफेद रंग की ऊर्जा को उस एक हिस्से पर देखें जहां भी आपको पेन है, चाहे वो आपके विचारों में है वो दर्द, आपके हार्ट, आपके दिल में, किसी के शब्दों की वो बात आपके दिल में लगी हुई है, वहां उस ऊर्जा को देखें। आपकी बॉडी के किसी भी एक पार्ट पर जहां आपको इस वक्त बहुत पेन हो रहा है, आप वहां पर उस ऊर्जा को लेकर जाएं, और जैसे जैसे वो ऊर्जा वहां आ रही है, सारा दर्द वहां से बाहर निकलता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है, और आप पूरी तरह रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स होते जा रहे। आप 3 बार ओम का चैंटिंग करेंगे।
आप अपने ईश्वर गुरु को याद करेंगे, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर को, आप अगर किसी गुरु को मानते हैं उन गुरु को याद करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप जो भी आज इस वेबिनार के माध्यम से अपने जीवन में सीखेंगे उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम जय सद्गुरुदेव। अब अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। चलिए नमस्ते नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। सभी लोग अपने मैम। कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि अगर आप लोग अपने कैमरा ऑन करेंगे तो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। यह मैम, स्वागत हो। कैसे कोना हो? फोन करा। अरे मैं कोर्स चालू हो गए। जय श्री राम। मैम इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? मेडिटेशन बहुत अच्छा था आपका। हाँ, आपको सारी क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप पूरा रिकॉर्डिंग उसको देखेंगे। चलिए, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसी के अंदर आप ये मेडिटेशन करिएगा और जब आप इसको रेगुलर करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, तो आप इसको कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जो लोग अपना ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कैमरा को ऑन रखें, अगर किसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो नहीं कैमरा ऑन कर सकते तो कोई बात नहीं, पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कैमरा को ऑन रखें। कैमरा ऑन रखने का मतलब क्या होता है ना, कैमरा ऑन रखने से क्या होता है कि हमारा भी आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है? नहीं तो अगर मैं अपना कैमरा ऐसे ऑफ करके आपसे बात करूंगी तो शायद आप उसको कनेक्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से मेरे कैमरा को ऑन कर कर आप मेरे से कनेक्ट, ठीक है? चलिए, आज हमारी करुणा रेखी की क्लास है। अधिकतर लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो लोग हमेशा ये पूछते हैं कि मैम आप जैसे हम लोग ग्रैंड मास्टरशिप अभी हमारा चल भी रहा है रेकी ग्रैंड मास्टर का, तो रेकी ग्रैंड मास्टर के अंदर और करुणा रेकी के अंदर या कोई भी रेकी के अंदर क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ग्रैंड मास्टरशिप जो है
जो हमारा ये रेकी, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जो हमारे लेवल 5 होते हैं रेकी के, ग्रैंड मास्टरशिप के, मेन हमारा रेकी वही होता है जो हमारी डॉक्टर मिकाओ उसी के द्वारा हमें मिली है। उसके अलावा जो भी हमारे आते गए न्यू न्यू जिन लोगों ने भी रेकी सीखा या आगे आगे बढ़ते चले गए, तो सबने उसको अपने अपने नाम दे दिए। उस तरीके से अलग अलग तरीके की रेकी मार्केट में आने लग गई है। कर्मा रेखी एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है, बहुत ही पुराने से ये चली आ रही है। जैसे कि डॉक्टर मिकाओ उसी ने, इसके लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए डॉक्टर मिकाओ उसी का, क्योंकि डॉक्टर मिकाओ उसी ने जो रेखी को बनाया, जो कि हमारे भारत की ही वैसे एक विद्या थी, लेकिन हमारे भारत से, एक मिनट जरा आप होल्ड करिए, थोड़ा सा हाँ जी, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर मिकाओ उसी ने, जो कि हमारी विद्या, हमारी इंडिया की ही थी ये विद्या, जो कि जापान में जाके फिर से पुनः आविष्कार होकर हमारे इंडिया में वापस आई। उसी तरीके से जैसे जैसे मास्टर्स बढ़ते चले गए, उन्होंने आगे आगे और न्यू न्यू इन्वेंशंस करती चली गई। तो करुणा रेखी भी उसी का एक पार्ट है। करुणा रेखी हमारी बहुत एशियन टाइम से, अगर आपको मालूम होगा कि लोगों को एक कहते ना प्रेम दया ये सब चीजों से के लिए हम लोग सिखाया जाता था बचपन से ही, जो कि आज इस अब धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही हैं। तो उन्हीं चीजों को और ज्यादा अच्छे से, उन्हीं चीजों को और ज्यादा उसकी एक सिंबल्स के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से उसको प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, डॉक्टर ये है हमारी मदर क्वाइन। ठीक है, मदर क्वाइन जो है ये एक देवी है, करुणा रेखी की जो देवी है वो मदर क्वाइन है। ये हमारी चाइनीज, यहाँ पे चाइना में अगर आप देखेंगे तो इनके अलग अलग टेम्पल्स बने हुए हैं जहां पर इनकी पूजा की जाती है, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं इनके। इनको करुणा की देवी कहा जाता है। ये हमारे को जैसे ये एक बुद्धिस्ट थी, इन्होंने बहुत तपस्या करी और इनको जब इनका मोक्ष का समय आया तो इन्होंने मोक्ष नहीं लिया, और जब इन्होंने मोक्ष नहीं लिया तो ये बौद्धिक सत्वा बनी। बौद्धिक सत्वा मतलब कि जो लोग बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इन्होंने मोक्ष को नहीं लिया। इन्होंने बोला कि मुझे संसार में रहना है और मुझे उन लोगों की सेवा करनी है जो लोग सचमुच में एक दर्द के अंदर है, जिन लोगों के अंदर बहुत दर्द है, मुझे उन लोगों की सेवा करनी है और मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ, उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, उन लोगों को हील करना चाहती हूँ उनके उन दर्द से। तब ये यहाँ पर आई और ये अभी भी माना जाता है कि ये अभी भी यहाँ पर है। अब ये कहाँ से जनरेट कहाँ से हुई? डॉक्टर विलियम ली रैंड, इन्होंने इसका आविष्कार करा। मेन जैसे डॉक्टर मिकाओ उसी, जिनको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, जिन्होंने रेकी को बनाया, उसी के बाद डॉक्टर ली रैंड जी ने इसको आगे बढ़ाया। इसके अंदर बहुत सारे इसको सिंबल्स के माध्यम से, हीलिंग्स के माध्यम से, मेडिटेशंस के माध्यम से इन्होंने एक कोर्स को डेवलप करा 1995 में, जिसका नाम है करुणा रेकी। करुणा क्या है? करुणा क्या होता है? करुणा एक ऐसी एनर्जी है जो प्रेम की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, जो हमको प्रेम करना सिखाती है, जो हमें सिखाती है कि हमें कैसे दूसरों के प्रति अपने प्रेम की भावना रखनी है, दूसरों को प्यार देना है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम दूसरों को तभी प्यार कर सकते हैं जब हम अपने आप से प्यार करते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है? करुणा रेखी इज द एनर्जी ऑफ कंपैशन इन एक्शन, सो इट टीच अस टू हैव अ मोर कंपैशन नॉट ओनली फॉर अदर बट ऑल्सो फॉर आवर सेल्फ। समझे? कहने का मतलब ये है
कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा दयालु नहीं होना है, हमें खुद के प्रति दयालु होना है। अगर हम खुद से अपना प्रेम करेंगे, अगर हम खुद के प्रति दयालु होंगे, तो हमें दूसरों से प्रेम ऑटोमेटिकली होगा। जब भी आप देखेंगे कि अगर आपका मन शांत है, अगर आपके मन में हर प्रकार की शांति है, आपको किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, तो आप दूसरों के साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप खुद की जिंदगी में परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, तो आप दूसरों के साथ उतना अच्छा अपने लाइफ को कनेक्ट नहीं करते। तो जो सबसे पहला जो रूल है करुणा रेखी का, वो यही है कि आपके अंदर सेल्फ लविंग की भावना होनी चाहिए। अब सेल्फ लविंग की भावना के लिए अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बोलूं, कि आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने हार्ट चक्र यानी कि अपने हृदय पर अपने सीधे हाथ को रखें, अपने हृदय पर, और अपनी आंखें बंद करें और 21 बार बोलें, आई लव, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है आई लव उपासना, आई लव उपासना, या फिर आप ये बोले आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आप एक बार, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इसको करके देखिए। अभी के अभी सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने राइट हैंड को अपने हृदय चक्र यानी कि अपने हार्ट के ऊपर रखें। ये हमारा हृदय चक्र है, अपने हार्ट के ऊपर आपने रखना है। अपनी आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, या आई लव उपासना, आई लव उपासना, आई लव उपासना, एक फीलिंग के साथ आपको बोलना है आई लव उपासना, 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 आई लव, आई लव उपासना, 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 21 टाइम बोले। और अपनी आंखें खोलें। अब देखें अपने आप से, आपको प्रेम की भावना खुद के अंदर जागृत होगी, हुई कि नहीं हुई? जागृत हुई प्रेम की भावना अपने अंदर, हुई मैम ना? आई लव उपासना बोलना है क्या मैम? नहीं, उपासना तो मेरा नाम है, आप अपना मेरा नहीं, नाम खुद का आप आई अपना लव, नहीं, हाँ आई लव राजेश्री ऐसे बोलना। हाँ आप ऐसे बोलो आई लव राजश्री, या फिर आप बोले आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई ओके सेल्फ, आई लव आई माई, लव, ओके बहुत थैंक यू मैम। शानदार मैडम। खुद से मतलब अपने को पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है तुरंत ही, मेरे को तो हो रही है। हाँ, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, अपने आप से प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर हम लोग दूसरों को प्रेम देने के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोच पाते। घर गृहस्थी परिवार, लेडीज घर गृहस्थी परिवार, आदमी लोग पैसे कमाने में, फैमिली को चलाने में इतने बिजी होते हैं कि वो अपने आप से प्रेम ही नहीं कर पाते, मतलब अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। और कुछ हमारे ऐसे संस्कार होते हैं, हम लोगों को बचपन से ऐसे संस्कार दिए गए होते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज के अंदर कि दूसरों के बारे में सोचो। हम मतलब अगर हम अपने ऊपर कुछ कर रहे हैं, अगर हम अच्छे अपने लिए अच्छा खाना खा रहे हैं अपनी पसंद का, अगर हम हमारे लिए अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो हमें ऐसा कहा जाता है, एक टैग लगा दिया जाता है कि हम सेल्फिश हैं, कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरी वाइफ बड़ी सेल्फिश है, मेरा हस्बैंड बड़ा है, मतलब ये इंसान है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना। बच्चे बड़े होके ना बड़े मतलबी हो जाते हैं, बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, बस अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो हम उनको ये टैग दे देते हैं। तो जो लोगों का इमोशनल होते हैं ना, वो लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, और फिर वो धीरे 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 दुनिया वालों के लिए करने शुरू हो जाते हैं और अपने बारे, अपने आप को धीरे धीरे भूल ही जाते हैं। और जब वो अपने आप को भूल जाते हैं, तो उनके हार्ट चक्र ब्लॉक होने लग जाते हैं, और जब उनका हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगता है, तो फिर हर तरह की तकलीफें जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। इंसान को पैसों का प्रॉब्लम आने, चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ का सबसे ज्यादा तो हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, पैसों के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, और रिलेशनशिप के इश्यू भी इसलिए आने शुरू हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक भावना आ जाती है कि यार हम तो सबके लिए करते ही जा रहे हैं, हमारा तो कोई है नहीं, हमारे लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा।
इस तरीके की भावनाओं के साथ हम हमारे जीवन को जीना शुरू हो जाते हैं, और वो ऐसा दर्द होता है जो हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता कि वो दर्द हमारे अंदर है। हम अपनी बातों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, और फिर हमारा थॉट चक्र ब्लॉक हो जाता है, हमारी थर्ड आई ब्लॉक हो जाती है। इस तरीके से हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, 24 बॉडी पार्ट जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वहां पर ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। फिर हमारे चक्रास में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, फिर हमारे जीवन में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा ऑरा जो होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो हमें उस चीज को ठीक करना है, करुणा रेखी के माध्यम से हमें उन चीजों के ऊपर काम करना है। तो बेसिकली इसका जो मतलब है वो यही है कि हमें अपने आप से प्रेम करना है, अपनी भावनाओं के साथ में प्रेम करना है, अपने आप के साथ में पॉजिटिव होना है। जब हम हमारे आप से प्रेम करते हैं, अपनी भावनाओं के साथ प्रेम करते हैं, अपने आप के साथ पॉजिटिव होते हैं, तो हम जीवन को, दुनिया को एक पॉजिटिव नजर से देख पाते हैं, अपनी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होंगे तो हम दुनिया को पॉजिटिव नजरों से देखेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, तो हम बहुत जल्दी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर। ठीक है, और ये बिल्कुल नहीं टैग रखना है कि अगर हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो हम एक सेल्फिश व्यक्ति हैं। नहीं, हम एक सेल्फिश व्यक्ति नहीं है, हम एक सेल्फ लवर व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति को सेल्फ लवर होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारे अंदर करुणा का भाव आएगा। अगर हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी, अपने आप से प्रेम की भावना नहीं होगी, तो हमारे अंदर करुणा की भावना नहीं आएगी। अब देखें कि जो छोटा सा बच्चा होता है ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, जब हम उसको देखते हैं ना, चाहे वो किसी का भी हो, ए टू जेड, चाहे वो किसी बहुत अमीर इंसान का हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति का हो, हमें उससे प्यार हो जाता है, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे चेहरे पे खुद ब खुद एक स्माइल आ जाती है उस बच्चे को देखकर। हमारा दिल करता है कि हम इसको उठाएं, गोदी में लें, उसको प्यार करें, उसके लिए कुछ गिफ्ट लाएं, अगर ये हम कर सकते हैं तो। ठीक है, अपने अंदर हमारे आप वो भावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का ऑरा इतना अच्छा होता है, क्योंकि वो बच्चा तो एकदम, उसके अंदर तो किसी तरह का कोई छल कपट नहीं होता दुनिया के अंदर। हाँ, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा होता है, बड़ा होने तक अलग बात है, लेकिन जब वो बच्चा होता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता। उसका ऑरा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही स्ट्रोंग होता है, जिसके कारण जब हम उस बच्चे के बारे में पास जाते हैं तो हमारा ऑरा भी अच्छा हो जाता है, हमारा मन भी अच्छा हो जाता है, हमारे अंदर एक अच्छी भावना आ जाती है, और हमारे शरीर की सारी जो थकान होती है वो निकल जाती है। तो मेन मकसद करुणा रेखी का यही होता है कि हमें अपने आप से प्रेम करना है। जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे तो हम दुनिया से प्रेम करेंगे, हम संसार से प्रेम करेंगे, और लोगों की हेल्प भी हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी उनसे प्रेम करेंगे, हमारे अंदर करुणा होगी। वैसा वाला प्यार नहीं जो एक लड़का और लड़की का होता है, मतलब एक करुणा जो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। माँ चाहे कैसी भी हो, मतलब अगर वो एक औरत है तो वो शायद वो एक अच्छी औरत ना हो, शायद वो एक सेल्फिश औरत हो, शायद वो एक मतलबी औरत हो, शायद वो एक लड़ाकी औरत हो, लेकिन जब वो एक माँ है तो वो अपने बच्चे के लिए एक माँ है, एक करुणा की देवी। 99% 99.9% माएं या फिर फादर भी अपने बच्चों के प्रति करुणामय होते हैं। फादर्स को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में मदर्स का नाम पहले आता है, तो प्लीज जो भी फादर्स हैं डोंट माइंड। ठीक है, तो इसलिए मैंने मदर का नाम पहले आता है, तो इसलिए मदर ही बार बार जुबान पर आता है, लेकिन फादर्स का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि एक माँ का होता है। ठीक है, तो 99.9 लेडी हमेशा अपने बच्चे को प्रेम करती हैं, कोई 1% ऊपर नीचे जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, और हर तरीके के लोग दुनिया में होते हैं। ठीक है, तो करुणा रेखी का जो मकसद है वो यही है कि प्रेम करना, अंतर आत्मा से करुणा हमारे अंदर, वो करुणा के भाव आने, हम सोल से, हम आत्मा से किसी को प्यार करना, आत्मा से अपने आप से प्यार करना, आत्मा से उस परमात्मा से प्यार करना। एक कहते ना कि भगवान का, कहते ना आत्मा और परमात्मा का मिलन होना,
मतलब वो प्रेम की भावनाओं को इतना ऊपर लेके जाना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाना। जब हमारा मन इतना पवित्र होगा तभी हम उस परमात्मा के भी करीब चले जाएंगे। कहते हैं ना कि हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए। हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहां की वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती है कि हम वहां का ऑरा इतना अच्छा होता है कि वो हमें अट्रैक्ट करता है, हमें मन को शांति देता है, हमको सुकून मिलता है। इसलिए हम ऐसे कोई भी धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद जाता है। सबके अलग अलग धर्मों के हिसाब से रिलीजन्स बने होते हैं, वो वहां पर अपना जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ही वो सारी भावनाएं हों तो हमारा ऑरा ही इतना मजबूत हो जाए कि जो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट, हमसे मिले, तो वो उनके अंदर वो वाली भावना आ जाएगी, वो एक प्रेम वाली भावना आ जाएगी। तो हमें करुणा रेखी के माध्यम से हम उस चीज के ऊपर काम करते हैं कि अपने अंदर जितने भी दुख है, तकलीफें हैं, दर्द है, उसको बाहर निकालना और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को लेकर आना। सोल कनेक्शन पर, उस पर काम करना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम जो आज हैं वो हम हमारे कल से हैं, जो हमारा कल था उसके कारण हम आज हैं, और जो हमारा आज है वो हमारा कल बनाएगा। जैसे कि आज आप प्रेजेंट में, अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है, किसी कारणवश कोई दुख है, परेशानी है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट लाइफ से चली आ रही है, आपके पास के कर्माज हैं जिसके कारण आपको इस जन्म में या इस जीवन में आपको वो तकलीफें मिली। जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपकी पास्ट लाइफ से ही रिलेटेड होती है। 90% आपकी पास्ट लाइफ रिलेटेड होती है, 10% आपके आज के कर्माज रिलेटेड होते हैं। तो कुछ चीजें हमारे आज के पीछे के जो हमारे कर्म है, जितनी भी हमारी आज उम्र है, उससे पीछे हमने कुछ ऐसे कर्माज की वजह से आज हमारे जीवन में वो तकलीफ है, दुख है। जो हमारा आज का प्रेजेंट लाइफ है, अगर आज हम उस दुख में जी रहे हैं, उस तकलीफ में जी रहे हैं, तो आगे हमारा फ्यूचर क्या हो? हो सकता है हमें उस तकलीफ और दुख की वजह से हमारे को बहुत ज्यादा फाइनेंस में लॉस आ जाए, हो सकता है उससे हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाए, हो सकता है कि हमारे आगे के रिश्ते अच्छे ना हो। कई बार हम देखा ना, कोई लोग बहुत अच्छे होते हैं अपने, मतलब बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े इंजॉय करते हैं जिंदगी को, बड़े ही जिंदा दिल किस्म के लोग होते हैं, और धीरे धीरे जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण उनकी जिंदगी के अंदर बड़े तूफान आ जाता है। कुछ भी उनके, चाहे वो पास्ट लाइफ कर्माज हो गए या कोई ऐसा व्यक्ति उनकी जिंदगी में आ गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भी आपके जीवन में ऐसा आ जाता है तो वो भी कहीं आपका पास का कनेक्शन होता है। कई बार बिजनेस में ऐसे लॉसेस आ जाते हैं जिसके कारण इंसान एकदम से समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया जिंदगी के अंदर। आपके नेचर में बहुत ज्यादा बदलाव आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे इंसान, जो इंसान बड़ा ही जिंदा दिल, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही इमोशनल, लोगों के प्रति उसके अंदर बड़ी अच्छी एक भावना होती है, बड़ा ही हेल्पिंग नेचर व्यक्ति, और अचानक ऐसा जीवन में हो जाता है कुछ कि वो बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल उसको लगता है कि कोई उसको समझ ही नहीं पा रहा, और धीरे धीरे वो चीजें उसके आने वाले भविष्य पर, उसके फ्यूचर पे उन चीजों का असर होता है। कोई बीमारी आ जाती है, ऐसे कोई भयानक बीमारी आ जाती है, या और लॉसेस आ जाते हैं, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाती है, और ज्यादा चीजें वर्स से वर्स होती जाती है। तो उन चीजों को हमें कैसे ठीक करना है, अपने कार्मिक हीलिंग करके, अपने अपने जो भी हमारे पास्ट के, जो भी हमारे पुराने ब्लॉकेजेस हैं, उन सबको हम हील करते हैं। अब हम उन सबको कैसे हील करते हैं? एक तो मेडिटेशन तो हम करते ही हैं, जैसे हमने अभी भी एक छोटा सा मेडिटेशन करा। इसके अलावा और बहुत सारे मेडिटेशन जब हम लोग क्लास के अंदर करेंगे, तो हमारा हर एवरी डे ही एक मेडिटेशन होता है। हर एक क्लास के अंदर हम कोई ना कोई मेडिटेशन लेते ही हैं, कोई कोई क्लास में नहीं भी होता है, बट अधिकतर सभी क्लासेस में हमारे मेडिटेशन होते हैं। वो मेडिटेशन के माध्यम से हम उन चीजों को हील करते हैं, प्लस हम सिंबल्स के माध्यम से हम उन चीजों को हील करते हैं। अब क्या है कि जब हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो हमारा करुणा रेकी होता है, अगर जिसने भी ग्रैंड मास्टरशिप की होगी उनको मालूम है कि लेवल 3 और लेवल 4 के अंदर हमारे करुणा रेकी के सिंबल्स होते हैं, जो कि हमारे 9 सिंबल्स होते हैं।
जो हमें लेवल थ्री में और लेवल फोर में हमें सिखाए जाते हैं। ठीक है, लेवल थ्री और लेवल फोर में जब हम ग्रैंड मास्टरशिप करते हैं तो हम लोग सिर्फ वहां पर आपको सिंबल नंबर थ्री, मैं ऐसे सिंबल का नाम नहीं लूंगी पब्लिकली, सिंबल नंबर थ्री का अटूनमेंट देते हैं। लेकिन जब हम करुणा रेखी सीखेंगे तो हमारे वो नौ के नौ सिंबल्स का आपको हर एक एक सिंबल का अटूनमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि अधिकतर लोग पूछते हैं कि क्या डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको वो डिफरेंस बता। उसके अलावा जो हमारा लेवल वन होता है, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, इसके अंदर हमारे तीन लेवल होते हैं। ठीक है, जब हम लेवल वन का अटूनमेंट आपके साथ में जब हम लोग करेंगे, तो जब हम करुणा रेखी की जो हमारे नाइन सिंबल्स हैं, अभी हमने सिर्फ नाइन सिंबल्स के बारे में बात की जो हम लेवल थ्री में और लेवल फोर में ऑलरेडी सिखाते हैं, लेवल वन और लेवल टू के, क्योंकि तो जो लोग भी करुणा रेखी सीखते हैं या जो लोग भी करुणा रेखी सिखाते हैं वो आपको बोलते हैं कि आपने लेवल वन और लेवल टू आपने किया होना चाहिए, तभी आप करुणा रेखी को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हम आपको लेवल हम जब आपको करुणा रेखी के सिंबल्स सिखाएंगे तो हम आपको लेवल वन और लेवल टू के जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनका भी साथ के साथ अटूनमेंट देंगे, ताकि आप उन सिंबल्स को यूज कर सकें, उन सिंबल्स के साथ में काम कर सकें। तो उनके अपने अलग सिंबल्स होते हैं जो हम आपको देंगे, उसको मैंने अभी काउंट नहीं करा। इसके अलावा और भी सिंबल्स हैं कि टोटल सिंबल्स हमारे जो हमारे वो जो तीन सिंबल्स जो हम लेवल वन और लेवल टू में हम तीन सिंबल्स का अटूनमेंट देते हैं, उन तीन सिंबल्स को मिलाकर आगे वो तीन सिंबल्स प्लस हमारी ये जो एट सिंबल्स हैं और इसके अलावा जो हमारे सिंबल्स हैं, टोटल हमारे सिंबल्स बन जाते हैं 28। ठीक है, तो टोटल हम आपको यहाँ पर 28 सिंबल्स, जिसमें तीन सिंबल्स जो हमारे लेवल वन और टू के हैं और बाकी के जितने भी हमारे सिंबल्स हैं वो हमारे करुणा रेखी के, यानी 25 सिंबल्स हमारे करुणा रेखी के होते हैं, वो हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। हाँ, यहाँ पर आपके लेवल थ्री होते हैं। अभी किसी का क्वेश्चन आया था जिन्होंने पूछा कि करुणा रेखी में कितने लेवल होते हैं, करुणा रेखी में तीन लेवल होते हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। लेवल वन को हम बोलते हैं एडवांस हीलर, जिसमें आप लोगों को हील कर सकते हैं। लेवल टू के अंदर होता है मास्टर हीलर और लेवल थ्री के अंदर होता है ग्रैंड मास्टर। लेवल वन यानी कि एडवांस हीलर, यानी कि आप वहां पर हीलिंग करेंगे। एडवांस हीलर उनको इसलिए बोला है क्योंकि जब आपने लेवल वन और टू जब हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, जब हम लेवल थ्री पे आते हैं तो हम इसमें सारे सिंबल्स को जो हम सीखते हैं तो आप उसमें क्या है ना कि हीलिंग कर सकते हैं, आप उसमें हीलिंग करेंगे। मास्टर्स हीलर जो हमारा लेवल टू है, जो हमारा मास्टर हीलर जिसको हमने बोला है, उसमें हम आपको और भी सिंबल्स देंगे। जैसे मैंने आपको बोला है टोटल 25 प्लस 3 यानी कि 28, तो मैं वो तीन सिंबल्स को अभी काउंट नहीं कर रही हूँ, वैसे हम 25 सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मेन करुणा रेखी के ही सिंबल्स हैं, जिसमें से 8-9 सिंबल्स हमारे वो हैं जो हम लेवल 3 में और लेवल 4 में ऑलरेडी ग्रैंड मास्टरशिप में सिखाते हैं। उसके बाद जितने हमारे सिंबल्स बचे वो हम सारे आपको करुणा रेखी में सिखाएंगे अलग से, तो वो हमारे मिला के हमारे 25 सिंबल्स होते हैं। और जो थ्री सिंबल्स है वो हमारे रेकी लेवल वन और रेकी लेवल टू के होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे अभी वो हम सिखाएंगे लेकिन मैं उसको काउंट नहीं कर रही हूँ, टोटल हमने 25 काउंट कर। ठीक है, तो वो हमारा मास्टर हीलर हो गया जो हम आपको सिंबल्स सिखाएंगे। उसके बाद हमारा आता है ग्रैंड मास्टरशिप। ग्रैंड मास्टरशिप में आपको सिखाएंगे कि भाई आपने किस तरीके से हीलिंग्स को करना है, किस तरीके से आपने आगे स्टूडेंट्स को तैयार करना है करुणा रेखी के। अगर आप जैसे सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं, तो वो लोग इसलिए सीखते हैं कि वो सिखाना भी चाहते हैं लोगों को, पहले उसकी हीलिंग्स करते हैं, पहले उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करना, फिर उसको दूसरों को सिखाना है। तो ग्रैंड मास्टरशिप में आप वो लोगों को कैसे सिखाना है ये सब आप उसके अंदर सीखेंगे। तो इस तरीके से हमारे तीन लेवल पूरे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करुणा रेखी है। अगर आप और भी कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
मैम इसका आपने कुछ बताया था ना, रेकी का 2 लेवल होने के बाद ही करना, रेकी में आना है, कुछ लोग ऐसे बताते, दोबारा बताइए वो पॉइंट। 2 लेवल के बाद ही करुणा रेखी में आना चाहिए, लोग इसलिए ऐसा बताते हैं क्योंकि वो हीलिंग के लिए, क्योंकि आप जब लेवल 1, आपका जब लेवल 1 के जो हमारे सिंबल्स होते हैं, लेवल 2 के हमारे सिंबल्स होते हैं, आप जब, क्योंकि आपको उसके अट्यूनमेंट मिल जाता है ना, तभी तो आप लेवल 3 के सिंबल्स यूज करेंगे, लेवल 4 के सिंबल्स यूज करेंगे। तो करुणा रेखी में आपके जो सिंबल्स होते हैं वो लेवल 3 और लेवल 4 के ही तो होते हैं ना, आप उनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लेवल 1 और लेवल 2 के सिंबल्स उसके साथ में यूज करने पड़ेंगे। आपके बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी उन सब चीजों के लिए अट्यून्ड होनी चाहिए, तब आगे आप उन सिंबल्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको लेवल 1 के और लेवल 2 के दोनों के सिंबल्स के बताऊंगी भी मैं आपको, और उसका अटूनमेंट भी दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपका ग्रैंड मास्टरशिप कवर हो गया। ग्रैंड मास्टरशिप का एक अलग पूरा प्रोसेस है, वो ही कोर्स के अंदर है, जिन लोगों ने किया हुआ है वो लोग तो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है, और वो मतलब ग्रैंड मास्टरशिप एक अलग है। लेकिन यहाँ पर जब आप करुणा रेखी सीखेंगे तो करुणा रेखी के उन चीजों को आप इस्तेमाल कर सकें, तो इसलिए मैंने आपको ये बोला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं सीखा होता है लेवल 1 और 2, और वो डायरेक्ट करुणा रेखी सीखते हैं। हालांकि डायरेक्ट ना सीखकर अगर आप लेवल 1 और 2 सीखकर आते हैं तो आप, और अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप और ज्यादा अवेयर हो जाते हैं उन सिंबल्स के साथ, आपका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन अगर नहीं सीखा तो घबराने की बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी सीख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप लोगों को सिखा सकते हैं। हमने इस कोर्स को इसी तरीके से डिजाइन करा है कि कोई भी व्यक्ति इसको सीख भी सकता है और कोई भी व्यक्ति इसको सिखा भी सकता है। ठीक है, मैम सेल्फ लव और सेल्फिशनेस का आपने बताया, थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं? थोड़ा और मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस? आपने कुछ वाइफ एंड हस्बैंड का बताया, तो कोई बात नहीं, आप पहले अपना कैमरा ऑन करें, मैं बताती हूँ जी। वो तो मुझे पता है आप हाँ शांत हो, तो मैं आपकी आवाज पहचान गई। फिर कैमरा ऑन करिए, जी कैमरा अब रेज करिए अपना हैंड, ताकि आप मेरे को बिल्कुल नजर आए। और आई एम जस्ट कंप्लीटेड माय कोर्स कोर्स एंड आई एम बीइंग हियर मैम। क्या बोला आपने? सेल्फ लव और वो सेल्फिशनेस तो मैं का समझ गई आपका डिफरेंस? क्वेश्चन, लेकिन आप एक बार तो कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन किया मैम? नजर क्यों नहीं आ रही? फिर आप वो करिए, क्या कहते हैं, रेज योर हैंड करें, ताकि आप मुझे नजर आए, आप नजर नहीं आ रही। प्रेस किया मैम? हाँ, अब आए आप मेरे को। हाँ बताइए, सेल्फ सेल्फ लव और सेल्फिशनेस, लव, हाउ व्हाट इज द लाइन, वेयर डू वी स्ट्राइक द लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस? सेल्फ लव वो व्यक्ति होते हैं जो अपने आप से प्रेम करते हैं, साथ में दूसरों से भी प्रेम करते हैं, और सेल्फिश वो होते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर सकते हैं। सेल्फिश वो होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं। ओके मैम, एक और डाउट है पूछूं मैं? हाँ, पूछिए पूछिए। और ये भाई बताया आप, सेल्फ लव नहीं होने से करुणा रेखी मोटो है, सेल्फ लव सिखाते हैं करुणा पहले हमारे करुणा का ऊपर। मतलब भी यही है ना, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, एक फादर भी अपने बच्चों से, मतलब एक पेरेंट्स अपने बच्चों से जिस तरीके से प्रेम करते हैं, उसी तरीके से हमें वो प्रेम की भावना हमारे अंदर आना चाहिए। और वो जब हमारे अंदर प्रेम की भावना आएगी तो वो सब जगह काम आएगी ना, वो प्रेम की भावना हमारे फाइनेंस को भी ठीक करेगी, वो प्रेम की भावना हमारे रिश्तों को भी ठीक करेगी, और वो प्रेम की भावना हमारे आपको तो अच्छा करेगी, हमारे माइंडसेट को तो अच्छा करेगी, हमारी हेल्थ को तो अच्छा करेगी, अपनी हेल्थ को भी तो हमें अच्छा करना है ना। तो वो सब हमारे जीवन के तीनों चीजों में, देखो एक इंसान को जीवन जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, 3 चीजों की जरूरत होती है ना हर एक इंसान को जीवन जीने के लिए, किन 3 चीजों की जरूरत होती हाँ, है? पैसा, कपड़ा, मकान, फूड पैसा, कपड़ा, मकान तो फिजिकल, फूड फूड
तो चार हो गई चार हो गई फिर फूड तो। इज बेसिक एमिनिटीज में फूड एंड शेल्टर, और उसके बाद बेसिक एक इंसान को एमिनिटीज। जीवन जीने के लिए अच्छे रिश्तों की जरूरत है, एक इंसान को जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत है, ठीक है ना, और एक इंसान को जीवन जीने के लिए एक अच्छी हेल्थ की जरूरत। शेल्टर, गुड शेल्टर, नहीं, वो तो बेसिक नीड है हमारी, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, बट द मनी, मेन पॉइंट क्या है, एक इंसान को एक अच्छा जीवन जीने के लिए उसको पैसा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो सबको ही चाहिए, लेकिन एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सेटिस्फाइड जीवन जीने के लिए एक इंसान को पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए और हेल्थ चाहिए। ये तीन चीजें हमारे जीवन की सबसे बेसिक होती है। अब पैसे में तो सब कुछ आ गया, रोटी कपड़ा मकान फाइनेंस फूड सब कुछ आ गया, पैसे में सब कुछ आ गया ना मनी के अंदर। और रिश्तों में क्या आया, रिश्तों में आ गया जो भी हमारे आस रिश्ते हैं। रिश्ते जरूरी नहीं होते कि एक पति पत्नी का रिश्ता, जरूरी नहीं कि एक माता पिता भाई बहनों का रिश्ता, रिश्तों में मतलब सारे आ गए, पति पत्नी का रिश्ता आ गया, माता बहन भाई दोस्त गुरु भगवान, भगवान के साथ भी तो हमारा एक रिश्ता ही होता है ना, सारे रिश्ते आ गए। और उसके बाद क्या मैंने बोला था, रिश्ता बोला था, कंफर्ट, एक तो मैंने बोला था पैसा, रिश्ता, हेल्थ, हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ है तो आप जीवन के हर एक दायरे में अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ है तो आप पैसा कमा सकते हैं, अगर आपके आप पैसा कमाने में अपने अच्छे से योगदान दे सकते हैं। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो क्या आपका पैसे कमाने का मन करेगा, नहीं करेगा ना, आप बीमार हो जाएंगे, आपका मूड सही नहीं है, आपको मूड स्विंग हो रहा है, आपको क्लास लेनी है और आपके सिर में दर्द हो रहा है तो क्या आप क्लास ले सकते हैं, नहीं ले सकते। मतलब मैं तो क्लास लेती हूँ तो मैं क्लास का आपको वो बता रही हूँ, बट एक नॉर्मल हर किसी किसी के जीवन के अलग अलग पहलू होते हैं, तो अगर आप बीमार हैं तो आप वो काम नहीं कर सकते, अगर आप बीमार हैं तो आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते, आप किसी के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहने का, इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि हमें ये तीनों चीजों की जरूरत है अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है। तो करुणा रेखी यानी कि इमोशंस, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस ही तो है ना, वो जो अंदर हमारा दर्द है उस दर्द को हील करना है हमें, उस दर्द को हील करना है ताकि हम सब चीजों को अट्रैक्ट कर सके अपने जीवन में। हालांकि हमारी हर मोडालिटी के अंदर यही काम होता है, हम हर मोडालिटी में यही सिखाते हैं आपको। अगर हम ग्रैंड मास्टर शिप करते हैं तो वहां भी हमारा यही होता है, वहां हम बीमारियों पे भी काम करते हैं, हर एक तरीके की बीमारियों को भी लेते हैं, ठीक है, तो हमारा यही काम होता है। लेकिन करुणा रेखी में हमने एक उसका पार्ट बनाया, जैसे हमारा मनी रेखी का एक अलग से पार्ट है जहां पे हमने सिर्फ मनी के ऊपर काम करना है, करुणा रेखी में हमने जहां पे केवल और केवल करुणा के ऊपर काम करना है, एक हीलिंग मतलब कि आपके हार्ट चक्र को हील करना है, आपके अंदर के सारे दुख और तकलीफों को बाहर निकालना है। इसी तरीके से और हमारी और भी बहुत सारी हीलिंग्स हैं, यहाँ मैं जस्ट अभी हमारे जो कोर्स चल रहे हैं मैंने उसके बारे में बात करी, ठीक है ना। तो जिस भी कोर्स का फोकस जो चीज के ऊपर होता है तो हम उसी चीज को मेन, हमारा जो टारगेट होता है वो वही होता है। जैसे यहाँ हमारे करुणा का टारगेट है तो हमें सिर्फ करुणा पर काम करेंगे, उन भावनाओं पे काम करेंगे, उन इमोशंस पे काम करेंगे, उन अंदर के जो ब्लॉकेज है न जाने कितने सालों से भरे हुए, हो सकता है कि वो 20 साल से हो सकते पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं। अभी मैं जस्ट किसी का एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें वो लेडी बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत दुख दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत तकलीफ दी, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। और वो बहुत ज्यादा मतलब उसका हेल्थ भी बहुत ज्यादा था, उससे पूछा कि आपके हस्बैंड ने आपको कब दुख दिया था, कब आपको तकलीफ दी थी, तो उसने बोला कि 20 साल पहले, 20 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला था, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसा किया था जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन आज हस्बैंड उसके साथ है, हस्बैंड भी उसके साथ बैठा हुआ है और वो हंस भी रहा है और वो भी हंस रही है दोनों, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी है। तो उन्होंने बोला कि 20 साल पहले उन्होंने आपको दुख दिया था, मतलब वो 20 साल का दर्द अब तक जीवन में चल रहा है,
आज उसका हस्बैंड बिल्कुल सही है, आज उसका हस्बैंड उसको बहुत प्यार भी करता है, उसको बहुत केयर करता है, उसको बहुत ध्यान रखता है। लेकिन जो 20 साल पहले उन्होंने, कोई भी उनकी लाइफ में कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आई होगी, हर किसी के जीवन में आती है, किसी के हस्बैंड की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो किसी की वाइफ की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो किसी की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो किसी की किसी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हर किसी के जीवन के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी कि मतलब 20 साल से वो उस दर्द उस तकलीफ को अपने साथ लेके चल रही थी, जिसके कारण वो आज बीमारियां, उसका बीमारी से भर गया शरीर, चलता फिरता बीमारी से भरा हुआ शरीर है। अब उसके वो ब्लॉकेज जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो कैसे अपने आप को हील करेगी? अब उसके दिमाग कैसा काम कर रहा है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया। अब जब उसके घर में किसी बेटी होगी या कोई बेटा होगा, कोई भी बच्चा होगा, वो इमोशंस उसके बच्चे में भी आएंगे, क्योंकि वो बच्चा वही देख कर, वही सोच कर, वही सुन के बड़ा हो रहा है। जब वो किसी और को एक्सप्लेन करेगी अपनी भावनाएं, किसी को बताएगी, तो वो उसको उसी सेंस में बताएगी, क्योंकि वही उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को वहां पे खत्म करना है, उसको डिलीट करना है, जिसमें कि हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं कॉर्ड कटिंग। आपने करी हुई है क्योंकि आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है ग्रैंड मास्टर शिप, हम उसमें कॉर्ड कटिंग कराते हैं। लेकिन उसके और बहुत सारे तरीके, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें जो हम करुणा रेकी में सीखेंगे, तो वो सारे इमोशंस को, वो सारी नेगेटिविटी को, वो सब चीजों को हमें खत्म करना है। जैसे अभी किसी ने बोला कि उन्होंने जब ये बोला आई लव माई सेल्फ, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव थॉट आया, वो पॉजिटिव हुए। ठीक है, और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, एक इंटरनल हैप्पीनेस की खुशी आती है। क्यों आती है इंटरनल हैप्पीनेस की खुशी? क्योंकि हमने कभी अपने आप को समय ही नहीं दिया, अपने आप से बात ही नहीं करी। कभी आप लोगों ने अपने आप को शीशे में खड़े होके बोला आई लव यू? एक लड़का एक लड़की को बोलेगा आई लव यू, आई लव यू। एक लड़की एक लड़के को बोलेगी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो इंसान उसकी कदर नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप खुद अपनी कदर करेंगे तो दूसरे लोग आपकी कदर करेंगे, दूसरे लोग आपकी कदर करेंगे अगर आप अपनी कदर करेंगे। तो उन भावनाओं को कैसे अपने जीवन का आधार बनाना है कि हम सीखेंगे यहाँ पर। एक हस्बैंड अपने आप को वेल ड्रेसअप करने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी वाइफ को ऐसा पसंद है। एक वाइफ अपने आप को पूरी जिंदगी निकाल देती है, ओहो मैं मोटी हूं, पतला करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देती है कि मेरे हस्बैंड मुझे पसंद करे, क्योंकि मैं मोटी हूं इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते है और मुझे उसके लिए पतला होना है। ये भावना उसको और उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को खत्म कर रही है। एक लेडी, मैंने अभी आज ही सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, एक आईएएस ऑफिसर लेडी ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब उसका वो लेटर मिला तो उसमें उसके हस्बैंड ने लिखा था कि तुम पूरी भैंस की तरह लगती हो। उसको टॉर्चर करता था उसका हस्बैंड और उसने सुसाइड कर लिया, जबकि वो लड़की एक आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर। वो भावनाओं को कैसे खत्म करना है, उस दर्द को जो हम इतने सालों से, चलो उसने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड करना अच्छी बात तो नहीं होती ना। लेकिन अगर हम सुसाइड नहीं भी कर रहे तो भी हम तिल तिल मर रहे हैं, हम तिल तिल मर रहे हैं, हमारे अंदर का जो दर्द है, हमें हर पल हमें मार रहा है वो दर्द। उसको कैसे, उससे बाहर निकलना है, उन भावनाओं से, उन सोच से, उन विचारों से। उससे क्या होता है, हम कुछ कर तो नहीं पाते, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, मन में फ्रस्ट्रेशन की भावना आ जाती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको ऐसे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको बताऊंगा, मेरा समय आने दो, फिर मैं इसको ये बताऊंगा, मैं उसको वो बताऊंगा। क्या आप समझते हैं, अगर इस तरीके का हमारा रिवेंज, अगर इस तरीके का हमारा समाज, हमारी सोसाइटी होती है, तो क्या वो समाज कभी जीवन में तरक्की कर सकता है? मतलब आप उस समाज को छोड़ दो, वो व्यक्ति जीवन में तरक्की कर सकता है, वो परिवार जीवन में तरक्की कर सकता है, उस परिवार के बच्चे कैसे होंगे, वो परिवार कैसा होगा?
क्या हमारे समाज का एक अच्छा निर्माण हो सकता है अगर ऐसी सोच रखकर एक व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, उसके आसपास का माहौल भी उसकी एनर्जीज के साथ वाइब्रेट हो रहा है, उसका परिवार वैसा वाइब्रेशन में आ रहा है, उसके बच्चे उस तरीके की वाइब्रेशन में पल रहे हैं, तो क्या वो एक समाज को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं हर किसी को जाके पकड़ पकड़ के ये नहीं बोलूंगी कि आप सीखो आप सीखो आप सीखो, ये तो अपना उद्धार हमें खुद करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं, जो सिंबल्स होते हैं उनकी अपनी पावर होती है, उनको सिद्ध किया जाता है, जो भी मास्टर्स उन सिंबल्स के ऊपर काम करते हैं उनको सिद्ध करते हैं, कोई 40 दिन के अंदर, कोई 3 महीने के अंदर, कोई उससे भी ज्यादा समय लगा के हम उन सिंबल्स को सिद्ध करते हैं। उन सिंबल्स के अंदर जैसे हमारे हर एक एक रिलीजन्स के अपने धर्म के मंत्रास होते हैं, हम मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, तो जब हम हर धर्म के अपने अलग अलग मंत्रास होते हैं, अब आप इतने सारे मंत्रास की चैंटिंग नहीं कर सकते हर रोज, तो आप सिंबल से अपनी हीलिंग कर सकते हैं, तो वो वही काम करेगा, आपके अंदर वही प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ग्रैंड मास्टरशिप कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ग्रैंड मास्टरशिप कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन्होंने करुणा रेखी सीखी हुई है, वो वेबिनार में आए हुए। तो क्या कोई भी एक व्यक्ति अपना एक एक्सपीरियंस बताए जिसने सीखा हुआ है? चलो ग्रैंड मास्टर जिसने सीखा है, कोई भी एक व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस बताएगा मुझे यहाँ पर, ये सिंबल्स को इस्तेमाल करने के बाद उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? बताइए, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई बताना नहीं चाहता या किसी का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है? मैं बोल सकता हूँ कि मुझे रेकी सीखने के बाद मुझे काफी पॉजिटिविटी का संचार हुआ मेरी बॉडी के अंदर, और मैं काफी पॉजिटिव रहा हूँ और मुझे काफी बेनिफिट मिला है इसका। और ये रेकी या करुणा रेकी, जो भी आपने सीखा है, क्योंकि चाहे करुणा रेकी रेकी भी तो मैंने सिंपल, अभी तो आपने पढ़ी। रेकी में भी सीखे हैं, आपने करुणा रेकी में भी सीखे हैं, है हाँ ना? हाँ जी हाँ हाँ जी, जी क्योंकि पता है करुणा रेकी तो मुझे। अभी तक मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने एडमिशन ले लिया था पहले इसमें करुणा रेगी में, लेकिन अभी स्टार्ट होगा तो अभी तो मैं उसमें जी रहा हूँ क्योंकि मैंने भी सीखा नहीं है। बट मैं रेगी की बात कर सकता हूँ कि रेगी में जितने भी सिंबल्स हैं और मैंने उसको उसको यूज करके एक पॉजिटिविटी का संचार होता है और हम अपनी बातें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ उसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ और अपनी बीमारियों को भी क्योर कर सकता हूँ। और मैंने की भी है कुछ चीजें। थैंक यू मैं थैंक उसका यू। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैम आपका, कि वो सारी चीजों को अप्लाई किया मैंने और वो चीजों का बेनिफिट मुझे मिला। थैंक यू सो और मच। हाँ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैंने तो बोलना जी, चाहते हैं तो बोलिए। ये कि मैंने मनी मनी रैकिंग भी ज्वाइन किया तो मनी रैकिंग से भी बहुत कुछ बेनिफिट हो रहा है कि लगातार उसके नोट्स बनाने हैं और किस तरीके से मनी को अट्रैक्ट करना है, ये मैंने सीखा मनी रेकी से सीखा। और रेकी से सीखा कि कैसे अपनी बीमारियों को हील करना है और कैसे उसका मैनिफेस्टेशन करना है अपने जो भी मुझे मेरी डिजायर्स हैं, मेरी इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ति करनी है और अपने जो भी जिस चीज में मैं कमजोर हूँ जिस चीज, तो उस चीज को हील करना है, जो मेरी बीमारी है या मेरी अपनी खुद की हैबिट्स हैं उसको ठीक कर सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रशांति जी, आप बताइए, आपने रेज योर हैंड भी किया और वैसे भी आपने भी ये पहले पहले ही किया था मैम, लोअर करती हूँ। मेरा एक ही कुछ क्लैरिटी मिला, लेकिन और भी जानना चाहती हूँ। रेकी का तो मतलब पूरा मैंने नहीं देख पाई, अब तक पूरा बिजी हूँ अदर स्केड्यूल्स के साथ, लेकिन जितने भी मेरा दिन अनुभव आपने बताती हूँ। क्लासेस साइकिक, अटेंड करी, आपने हाँ सिंबल्स जो के भी, अट्यूनमेंट्स हाँ लिए, जो भी अटेंड किया, वो जो भी अटेंड किया उसका अनुभव मैं बताती हूँ। उसका एक मेडिटेशन आपने करवा दिया, 7 लेयर ऑरिक लेयर्स का, वो बहुत अच्छा है। और मैं भी हीलर हूँ, मैं भी पहले से रेकी सीखा, तो वो अनुभव मुझे बहुत अच्छा मिला, और मेडिटेशन का बहुत अच्छा। और जब आप
रेकी अटूनमेंट दे रहे हैं। बहुत लोगों को ये सोच है कि ऑनलाइन अटूनमेंट होगा, मेरा भी है, क्योंकि हम तो आदत, हमारा आदत नहीं है ऑनलाइन सीखने का, अटूनमेंट लेने का। ये सब नया नया 5-6 साल से ये बहुत मशहूर हो रहा है, तो ऐसा फैसिलिटी भी हमको आ रहा है। तो मेरा भी एक डाउट पहले चला, तो ऑनलाइन अटूनमेंट जब आप अटूनमेंट देते हैं ना, तभी आई कुड फील द एनर्जीज, और चेक भी हुआ उस समय। मैंने लेग्स फोल्ड के मैंने बैठा, उस समय मैंने नहीं सुना, जो कहते हैं पहले क्लास में कह दिया होगा, उस क्लास में नहीं कहा। तो मैं पूछ रही हूँ, मैम लेग्स तक जाना है, तो आपने बताया आप क्रॉस लेग बैठा है क्या, तो वो एनर्जीज नहीं फील हुआ, मैंने महसूस नहीं किया। तो आपने तुरंत आपने पहचाना और मुझे बताया दोबारा लेने के लिए। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन अटेनमेंट। किसी को अगर ऐसा कुछ शक है ऑनलाइन अटेनमेंट मिलता है, ये तो हीलर का आपका कैपेबिलिटी के हिसाब से ऑनलाइन अटेनमेंट भी होगी। ये एक अनुभव है मैम। और तीसरा साइकिक अटैक का, मैंने जब प्रैक्टिकल भी करने के लिए कुछ बताया, असाइनमेंट दिया, उस समय जब मैं किया तो उस समय बहुत अच्छा लगा। मैं प्रैक्टिकल सिर्फ एक ही बार किया, लेकिन मेरा अंदर का एनर्जी बहुत अच्छा, आई फेल्ट एज इफ आई स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स 8 आवर्स, एंड इतना रिफ्रेशिंग लगा मुझे। ये एक अनुभव है। तो मैं करना था कि मैं इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हूँ, मेरा समझदारी के हिसाब से ये तो हार्ट चक्र, आप बता दिया हार्ट चक्र ऊपर कुछ और भी तरीके डालकर हमारा सोच विचार को बदलने के लिए करना था कि सीखना है, सिंबल्स भी इधर होती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ जब रेकी लाइक मतलब एक रेकी का टूल है सब कुछ, मैं आज तक ऐसा मेरा सोच है कि रेकी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, एफर्मेशन इंटेंशन डालकर। तो क्यों अदर रेकी भी सीखना है, कुछ और दूसरा भी मिलता है, लेकिन जब रेकी ही साथ में है तो व्हाई वी हैव टू गो फॉर अदर सिस्टम्स ऑफ रेकी। इसलिए मैं पूछ रहे हूँ करना देखी मैम। और एक डाउट मुझे आ गया कि दूसरों को हील करना है, तो बहुत लोग ऐसे इजी वे में हीलर को कितना भी पैसे देते हैं, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू चेंज द माइंडसेट। तो उस लोगों को कंसल्टेशन देने के बाद, साइकियाट्रिस्ट मतलब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने के बाद ही हील करना है, या कैसे करना है मैम, अगर करना देखी ग्रैंड मास्टर बन गए हैं तो? नहीं, उन लोगों का साइकोलॉजी पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। वो तो जब जब वो लोग आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे, तो आपने उनकी साइकोलॉजी को तो समझना ही है, और उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनको गाइड भी करना है, प्लस उनको हील भी करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन मकसद होता है। और जैसे करुणा रेखी, अब करुणा रेखी जैसे अब आप समझ ही चुकी हैं कि उसको और ज्यादा डीप क्लीनिंग करना, अपने हार्ट चक्र को डीप क्लीनिंग करना, पास्ट के जो पेन्स हैं उनको डीप क्लीनिंग करना, ये सब हम करुणा रेखी के अंदर सीखते हैं। प्लस आपने जैसे मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि जब हम सिंबल्स, जैसे कि मैंने बोला कि हम यहाँ पे आपको 25 सिंबल्स देंगे, अब 25 सिंबल्स के अंदर आपके जो 25 सिंबल्स हैं, मतलब सिंबल्स से आपको क्या, उसके अंदर क्या बेनिफिट मिल रहा है, जब आप सिंबल्स को यूज कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में? क्योंकि सिंबल्स आपको, वो 8 सिंबल आपको वहां ऑलरेडी मिलेंगे ही ग्रैंड मास्टरशिप में, उसके बाद आगे के सिंबल्स, हम जो टोटल हमारे 25 सिंबल्स, प्लस हर एक एक सिंबल का जो अट्यूनमेंट है, अट्यूनमेंट आपने बता दिया कि आपको क्या क्या उसका एनर्जी महसूस हुई, लेकिन सिंबल्स की भी अपनी एक एनर्जी होती है। जब आप वो यूज करते हैं तभी आप उसको समझ पाएंगे ना कि इस सिंबल के आपको क्या लाइफ में वो मिल रहा है। अब जैसे आपने किया होगा शामी, हम लोग जोनार सिंबल को यूज करते हैं हर चीज में, हम जोनार सिंबल को यूज करते हैं पास्ट लाइफ कर्मास के लिए, हमारे जोनार सिंबल के ऊपर अलग से मेडिटेशन भी हमने बनाया हुआ है, और हम हर लेवल में अलग अलग तरीके के मेडिटेशन सिंपल एक जोनार सिंबल से कराते हैं। तो उसको करने के बाद आपको एक लाइफ में क्या चेंजेस आए, मैं वो जानना चाहती हूँ, वो जानना चाहती हूँ। जैसे मुझे किसी ने बताया अभी हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें मुझे बताया कि जब वो सिंबल से हीलिंग कर रहे थे तो
उनके बहुत सारा उनका चेंजेस हुए, उनके घर का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, उनके बच्चों का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, उन्होंने देखा कि उनके घर में बच्चे सब बहुत प्रेम से रह रहे हैं, वो वाइब्रेशंस, क्योंकि जब हम सिंबल्स से अपने अंदर काम करते हैं, जब हम सिंबल्स को प्रैक्टिस करते हैं, जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सिंबल्स आ जाते हैं, जब हमारे बॉडी के 7 चक्रास में हम उससे उसके साथ काम करते हैं, अट्यूनमेंट का मतलब क्या होता है? अट्यूनमेंट का मतलब यही होता है कि वो आपके अंदर की वाइब्रेशंस को बैलेंस करना, यूनिवर्स के साथ, उन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ आपकी अंदर की वाइब्रेशंस को बैलेंस करना। और जब वो चीजें वहां पे बैलेंस होती हैं तो आपका ऑरा बड़ा होता है, और जब आपका ऑरा बड़ा होता है तो आपके अंदर से भी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं वो आपकी फैमिली को कैसे हील करती हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को कैसे हील करती है ना? करती है ना? अप्रमोद जी आप बताइए, आप तो अभी भी सीख रहे हैं हमारे से ग्रैंड मास्टरशिप। मैम और मैं बताऊंगी। हाँ मैम आप बताइए, आप बताइए। चलिए दो एग्जांपल बताऊंगी। एक तो फर्स्ट, जब आपने अटूनमेंट दिया था तो मुझे तो पूरा फील हुआ कि मेरा ब्लैक एनर्जी बहुत जबरदस्त निकला। और मैं पहले तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाती थी, इतना मुझे घबराहट होती थी लोगों से बात करने में, घर से निकलने में इतनी घबराहट होती थी। बट आपने अटूनमेंट के बाद तो मतलब पूरा लाइफ चेंजिंग ही हो गया सच कहूँ तो। और मेरे लिए ये वर्क बहुत ज्यादा करता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा घबराहट होती है मुझे, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत घबराहट होती है। तो मैं हमेशा सही है कि अपना थ्रोट चक्रा भी बना बना के स्टेबल 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 करती हूँ, तो उससे मुझे इतना रिलीफ होता है, इतना रिलीफ होता है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। सेकेंड मैं एग्जाम्पल और दूंगी, मनी रेकी आपके साथ कर रही हूँ। पहले मुझे लगता था हमेशा कि पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, कैसे होगा क्या होगा। बट सच कहूँ आपके साथ करने के बाद मुझे कभी, आज आज सच कहूँ मुझे कभी फील ही नहीं होता, मेरे पास लगता है बहुत पैसा है यार, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं सब कर सकती हूँ। मतलब मुझे कमी अभी लगती ही नहीं है, और मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है। मतलब खुद को मैं नहीं, आज से अगर कहूँ तो मैं 1 महीने पहले कैसे थी और अभी कैसे हूँ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड जो है, एक और एग्जाम्पल दूंगी, आपने जो लिखवाया था मनी रेकी के फर्स्ट क्लास में कि आपको थैंक यू कहना है, कि थैंक यू आई हैव समथिंग, कुछ आपने बताया था ना कि थैंक यू फॉर दैट, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ये वाला। जब मैं उसको लिखना स्टार्ट की, पहले तो मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत ही नेगेटिव थी, मुझे जीवन से ही नफरत हो गई थी। बट जब से मैं लिखना स्टार्ट की तो मुझे इतनी चीजें आने लगी कि मैं, इतनी चीज भगवान ने मुझे दी है और मैं कभी उसका ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाई, कभी मैं उसको थैंक यू नहीं बोल पाई, लेकिन भगवान ने सबसे अच्छा मुझे शरीर दिया है। कितने अंधे होते हैं, हाथ से कुछ ना कुछ हमेशा फिजिकली कुछ ना कहीं कमी होती है, भगवान ने सब चीज से मुझे स्वस्थ बनाया है, इतना अच्छा बॉडी माइंड दिया है, पढ़ा लिखा बनाया है, सब चीज दिया, फैमिली इतनी अच्छी दी है, और मैं कभी उस चीज का थैंक कह ही नहीं पाई। और अभी मैं कहती हूँ तो मुझे इतना फील होता है, बहुत लगता है हर चीज में मुझे अच्छा लगता है कि नहीं सच में बहुत लोग हैं उनको ये भी नहीं मिली है, लेकिन आई एम वेरी मतलब लकी, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे मिली। मतलब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, और लाइफ में आना ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कितने लोग चींटी बनते हैं, ये चूहे मतलब कुछ जानवर बनते हैं, हमें तो जिंदगी मिली है, हम अपनी भावनाएं कह सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं, अगर हम दुखी हैं हम अपना दुख शेयर कर सकते हैं, हमारे पास कितने लोग हैं। बट जानवर यार ये सब के पास तो वो चीज भी नहीं सुविधा होती है। तो आई एम वेरी मतलब आई एम मेरी लाइफ तो बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो थैंक यू, मैं तो आपको हमेशा ही थैंक यू कहती हूँ कि सच में मैम आप तो एकदम मेरे लिए एंजल की तरह आई, और मेरा लाइफ बहुत ट्रांसफर हो गया। और पहले बहुत इमोशनल भी थी कि मैं रो देती थी ऐसा था, अब कुछ नहीं, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मतलब सबसे बड़ा चीज है कि आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, और मतलब इतना पॉजिटिविटी, हर चीज में भी मैं पॉजिटिविटी ही देखती हूँ, मुझे नेगेटिविटी अब लगता है आती नहीं है, मतलब दिखता ही नहीं कि इसमें क्या नेगेटिव हो सकता है, अभी ऐसा लगता है। और उससे अच्छा मेरा रिलेशनशिप भी मेरा हस्बैंड के साथ बीच में थोड़ा सा खराब हो गया था, जस्ट बिकॉज मेरी नेगेटिविटी के कारण, तो मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी मिलती थी उससे भी, या हो सकता है मेरे से भी हो सकती है। अभी हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा हो गया है, मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी के साथ भी थोड़ा सा मुझे गुस्सा हमेशा उससे हमेशा गुस्सा आते रहता था, लेकिन उसके साथ भी मेरा अभी इतना प्यार वाला रिलेशन हो गया। वो मेरी बेटी भी बहुत चेंज हो गई, मेरी बेटी पहले पापा पापा करती थी, मुझे बहुत जेलसी होती थी कि पैदा मैंने किया और तुम पापा पापा कर रही हो, कष्ट मैंने सहा, सब चीज मैंने कहा, तुम पापा क्यों करती हो, मुझे गुस्सा आता था इस बात पे, बहुत जेलसी होती थी।
लोगों ने बहुत समझाया कि ये नेचुरल, बेटी लोग पापा पापा ही करती है, बट अभी वो मम्मा मम्मा करने लगी है, तो मुझे इतना खुशी होता है कि चलो कुछ तो कर रही है। तो मेरा तो लाइफ बहुत ट्रांसफर हो गया है, और आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी पॉजिटिव। सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिविटी, इतना बोल रही हूँ, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करती थी मैं, तो बोलती भी नहीं थी, घर से भी नहीं निकलती थी, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ। अभी देखो आप बाहर ही हूँ, मैं बाहर निकली हूँ, तो आई एम सो हैप्पी। तो ये तीन मतलब सहेकी मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करता है आज भी। कभी मुझे ऐसा लगता है, घबराहट होती है, तो मैं खुद को एकदम स्टेबल 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 करती हूँ, एकदम मैजिकल काम करता है। और मनी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे ऊपर, अभी मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे लगता है बहुत है, इनफ है, इनफ है कि मैं अपना मतलब सारे ख्वाहिशें पूरा कर सकती हूँ। बस थैंक यू मैम। बहुत अच्छा आपका फीडबैक है, इसलिए आपका ज्यादा अच्छा इसलिए क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे और अभी आप सबके सामने खुल के अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं, इसलिए हाँ आप ये ज्यादा अच्छा मुझे लगा सुनकर। हाँ मैम, बहुत थैंक यू, थैंक यू आपको भी, चलिए थैंक यू यूनिवर्स को भी, सबको थैंक यू, अपने पेरेंट्स को भी बहुत थैंक चलिए, अल्फा जी ने भी शायद से रेज किया था हैंड और फिर उसके बाद उन्होंने डाउन कर दिया, आभा जी ने, सॉरी। यू। हाँ जी मैम, मैं भी बताना चाहूंगी कि मेरे नीज में बहुत पेन रहता था। मैंने डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह भी लिया, तो मैंने खाया हफ्ता 10 दिन, लेकिन मुझे बहुत घबराहट सी फील हुई। फिर मैंने अपने नीज की पूरी ऑरा क्लीनिंग करी, और पहले 7 चक्रास पे तो रोज मैं करती हूँ, फिर उसके बाद मैंने सिर्फ नीज पार्ट की ऑरा क्लीनिंग करी, और फिर उसके बाद उसमें डाइकोमियो जब से आया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल है 3rd लेवल का, वो और शामीन किया, उसको एवरी डे मैंने नीज में अपने 15 15 मिनट दोनों नीज को किया, और आज मेरी नीज एकदम ठीक है। मतलब मेरे को मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मेरा चौकड़ी मारना मुश्किल हो गया था, और मेरे को हुआ कि मतलब इतनी छोटी एज में ऐसे क्यों हो रहा है मुझे, तो सारा मैंने उसकी नेगेटिविटी निकाली लग के, मतलब 1 महीना मैंने उसको किया है और आज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन मेरे को भी पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माय थ्रोट चक्रा, तो आई थिंक आज मेरे में कॉन्फिडेंस ही कि मैं सबके सामने बोल रही हूँ, तो थोड़ा तो फर्क है। प्लस जो आप रोज मॉर्निंग में वो मेडिटेशन कराते हो ना, ये कर्मा हीलिंग की, उससे भी मुझे मतलब अभी आई थिंक हमारे 5 6 डेज हुए हैं, तो उससे मुझे काफी लाइट फील हो रहा है अंदर से, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मॉर्निंग। वो एक टास्क है आपके लिए, मैं जानती हूँ आप रोज कराते हो, कई लोग आते हैं कई नहीं आते, बट एज अ टीचर आप रेगुलरली आते हो, सो वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक मैं बताना चाहूंगा हाँ कि बताइए। मेरी वाइफ को 30 अगस्त को पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था और उसकी सर्जरी हुई थी, उसमें सिर में स्टेंट डाला हुआ है। 31 को सर्जरी था, उसके बाद में मैंने एक जन से हीलिंग करवाई थी, तो उनका रिकवरी प्रोसेस बहुत बढ़ गया था, लेकिन फिर भी मेरे को यकीन नहीं था। मेरा लेफ्ट पैर पूरा सुन्न था, तो मैडम से जब अट्यूटमेंट लिया था मैंने, पहले दिन ही मेरा वो सुन्नपन ठीक हो गया। और अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टरों का हीलिंग कर रहा हूँ, जो MD डॉक्टर्स हैं उनकी हीलिंग मैं कर रहा हूँ, पैरालिसिस वाले पेशेंट्स की हीलिंग कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी मैं कैंसर वालों की हीलिंग करने वाला हूँ 1 महीने के अंदर। सिर्फ रेकी से कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, सिर्फ रेकी से कर रहा हूँ। पैरालिसिस वालों की हीलिंग करना शुरू कर चुका हूँ मैं, उनको अच्छा अच्छा फील हो रहा है। दूसरा, अभी मैं कैंसर वालों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ कि क्या करना चाहिए कि मतलब उनको आराम मिले, तो कैंसर वालों की हीलिंग अभी शुरू होने वाला है, 1 महीने तक मैं ध्यान दे रहा हूँ कि किस तरह से क्या किया जाए। टोटली रेकी यूज कर रहा हूँ, और साइकोलॉजिकल में तो ऐसा है कि ना, मेरे को 15 20 दिन पहले एक लड़की का फोन आया था जबलपुर से, तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो सबको मालूम है मेरा नंबर, तो उन्होंने बोला कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, तो बोले भाई आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, 3 दिन बाद करना। मैंने उसको ऐसे ही समझाया और उसको मैंने उसी समय हीलिंग कर दिया, उसको सेम डे में उसको इजी लगा। 3 दिन के बाद उसने मेरे को मैसेज भी किया, फोन भी किया कि सर अभी मेरा सुसाइड का विचार कैंसिल हो गया। ये सच में है, मेरे पास चैट भी है उस लड़की का कि भैया ना ऐसा सब मेरे प्रोसेस में चेंज हुआ है। सबसे बड़ी बात तो है कि मैं डॉक्टरों की हीलिंग कर रहा हूँ, और साइकोलॉजिकल हीलिंग में मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है। कोई भी मतलब
सुसाइड करना चाहता हूँ मैं, ठीक कर सकता हूँ, एडिक्शन ठीक कर सकता हूँ, जैसे शराब का नशा, सिगरेट का नशा, ये सब मैं ठीक कर करना शुरू कर चुका हूँ। ये मेरी वाइफ है, यहाँ चल रही है। जिस दिन मैंने इसको हीलिंग किया था ना, तो ये आधा घंटा चल के आई थी, मैं नहीं गया था, ये अकेले चल के आई थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हाँ, बात अभी इसको भी है। मैंने थोड़ा थोड़ा सिखाना सिखाना चालू किया है, ठीक कर रही है, देखिए ये कर रही है, खुद भी कर रही है। तो मेरे लिए तो ताजुब की बात है कि डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं हीलिंग के लिए, दवा लेने के लिए, मैं डॉक्टरों की हीलिंग कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। तो बात है, पैरालिसिस के 3-4 केसेस आए मेरे पास इस समय, जिनको मैं हील कर रहा हूँ, पर अभी मेरा टारगेट कैंसर पे है, कैंसर पे जाऊंगा मैं ठीक करने के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है बस अब आपकी वजह से है आशीष। मैडम, मैं तो कुछ इसमें विश्वास भी नहीं करता था, मैं आपको बोलता हूँ नॉन बिलीवर, मैं इसको मानता ही नहीं था। जब आपने जिस दिन अटेंडमेंट दिया था ना, उस दिन मेरे रिजल्ट आया ना, अब भी मैं आपको तो दवाइयाँ ना खोली नहीं है, वो बेकार ही पड़ी रहेंगी, वो जो यहाँ से मैंने मंगाई है, क्योंकि 30-40 हज़ार रुपये मेरे लग चुके थे, जो केयर में नंबरेस थी वो एज इज पड़ी है, वो तो लेगा नहीं, लेकिन वो पड़ी है। मैं बता रहा हूँ कि ना, मतलब बहुत पैसा मैंने डाला इसमें, मुझे लग रहा था कि मैं शायद मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये मैडम चमत्कार से कम नहीं है कि आपने अटेंडमेंट दिया और उसी समय ये ठीक हो गया, ये चमत्कार मानता हूँ मैं। लेकिन अभी मेरे को, जब मैं लोगों को हील कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये चीज में। चलिए ये तो रेकी का जितना भी होगा ना, मैं सीख रहा हूँ, अभी काफी बुक्स भी खरीदी मैंने रेकी की, बहुत सारी बुक्स खरीदी है मैंने अमेजोन से, उनको देख रहा हूँ कि उसमें वो लोग क्या पॉइंट्स सजेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर बीमारी के लिए, या क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सब मैं देख रहा हूँ। तो मेरा तो बहुत अच्छा है, पैसा भी बहुत कम है, मैंने आपको बता देता हूँ। डॉक्टरों से 10 हज़ार लिया है, एक एक हीलिंग का मैंने, 5-5 हज़ार, मतलब दो डॉक्टर है तो 5-5 हज़ार लिए, 10 हज़ार लिया उनसे, उन्होंने राजी बहुत, राजी दिए, कुछ बोला नहीं उन्होंने, आराम से दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे रिजल्ट हैं। तो मेरा जो मकसद था आप लोगों को यहाँ पर ये बताने का, वो ये कि जब हम सिंबल्स के साथ अटूनमेंट करते हैं, तो सिंबल्स की अपनी खुद की एनर्जीज होती हैं, जो पहले तो आपके जब हम आपको अटूनमेंट देते हैं, आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी एनर्जी को बैलेंस करती हैं उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ में। उसके बाद जब आप उनको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आती हैं। उसके बाद जब आप दूसरों को हीलिंग देते हैं, तो फिर आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, जब तक वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होंगी, तब तक आप किसी और की हीलिंग उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सब आपको बताया जाता है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि हम लोग जैसे हीलिंग्स करते हैं, तो हीलिंग करने से हम किसी के कर्मास में तो नहीं जा रहे हैं और उसके कर्मा बैक तो नहीं हो रहे हैं, तो वो सब चीजें किस तरीके से बैलेंस करनी है, ये सब हम हर क्लास में ही सिखाते हैं। इसमें भी सिखाएंगे कि आपको वो सारे कर्मास को किस तरीके से बैलेंस करना है। तो जो लोग ऑलरेडी रेकी सीखे हुए हैं, या जिन्होंने लेवल 3 लेवल 4 किया हुआ है, और जो लोग स्पेशल सिर्फ करुणा रेकी सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है ना, कि सिर्फ और करुणा रेकी के अंदर अगर आप उसको सीखेंगे, तो आपका सिर्फ उसी चीज के ऊपर पूरा फोकस होगा, उसी से रिलेटेड आपको सिंबल्स मिलेंगे, और उसके सिंबल्स बड़े ही पावरफुल सिंबल्स हैं, बड़े ही पावरफुल सिंबल्स हैं, जो हम नॉर्मल, हम जब लेवल 1 2 या 3 भी हम सीखते हैं, तो उसमें हम सिर्फ 4 सिंबल्स का अटूनमेंट देते हैं। पूरे ग्रैंड मास्टरशिप के अंदर आपको सिर्फ 4 सिंबल्स का अटूनमेंट मिलता है। उसके बाद जब हम, और जैसे रेकी होती है, उसमें हम आपको सभी सिंबल्स का अटूनमेंट देते हैं। यहाँ पर आप जितने भी सिंबल आपने सीखे हैं ग्रैंड मास्टरशिप में भी, जो आपने लेवल 3 में या लेवल 4 में जो भी आपने सीखे हैं, उन सभी सिंबल्स का अलग अलग आपको अटूनमेंट, हर एक एक 25 सिंबल्स +3 सिंबल्स यानी कि 28 सिंबल्स का आपको अटूनमेंट मिलेगा। और आप सोचिए कि जब वो सारे सिंबल्स का अटूनमेंट आपको मिलेगा, तो उसकी एनर्जी कैसे, आपके अंदर कितना हायर एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और आप कितना ज्यादा उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे। और अगर आप उस यूनिवर्स के साथ जब हायर लेवल पे कनेक्ट होंगे, तभी आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी तभी होती है। जब भी जो भी लोग इस इन मोडालिटीज के अंदर आते हैं, तो उनका जो मेन मकसद होता है ना, घूम फिर कर वो कहाँ आ जाते हैं, घूम फिर कर जो उनका मकसद आता है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही आता है। क्योंकि हम जब उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमें जीवन में सब कुछ मिलता है, और वो परमात्मा आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, यू नो, वो ब्रह्मान है, वो कॉस्मिक एनर्जीज है। वो कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, तो आपको जीवन में, आप हर चीज को अपने जीवन में आसानी से
अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा मकसद है करुणा रेखी को सीखने का। और बाकी देखिए, ये हमारा सीखने का जो भी इसके जो टाइमिंग्स है, ये हमारी जो क्लास है वो 16 मार्च से स्टार्ट होगी। फ्राइडे सैटरडे 5:30 PM हमारी क्लास होगी। 2 महीने का हमारा ये कोर्स रहेगा। सारी क्लासेस हमारी जूम पर रहेंगी और आपको 2 साल के लिए इसकी सारी जो भी रिकॉर्डिंग्स है आपको 2 साल के लिए मिलेंगी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करेंगे यहाँ पर। ये सारा आपको, ये पूरा आपको एक PDF ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा, आप उसमें सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पेमेंट डिटेल है। जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 3,158 है, और जो हमारे ऑलरेडी पहले से पार्टिसिपेंट है उनके लिए 2,685 रुपीज उनका ये कोर्स का हमारा फीस है, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, जो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिल सकता है। मुझे अब तक का जो मेरा रिकॉर्ड है, जो मैंने देखा है, इससे कम प्राइस में कहीं भी आपको ये किसी भी तरह की कोई भी रेकी को सिखाया जा सकता है। और हमारे सभी रेकी का सेम ही प्राइस होता है, आप लोगों को मालूम है, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सीख चुके हैं वो लोगों को मालूम है कि यही हमारा सब जगह का हमारा प्राइस है। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको कांटेक्ट करिए। ये हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं, आप जब पेमेंट देंगे स्क्रीनशॉट करके आप यहाँ पर उसको वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी लोग क्लासेस के अंदर आएंगे। आप सभी लोगों को मैं वहाँ पर देखूँ और आप सब लोगों को सिखाऊँ करुणा रेखी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को सिखाना। और सीखने के बाद आप लोगों को खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा कि क्योंकि जो उसके सिंबल्स हैं ना, वो बहुत ही अच्छे सिंबल्स हैं, बहुत ही अच्छे सिंबल्स हैं। आपको पूरा उस परमात्मा के साथ जोड़ देंगे, इस तरीके के उसके सिंबल्स हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, इस तरीके के वो सारे सिंबल्स हैं। और हर सिंबल के अपने, कहते हैं ना कि उसके अंदर 4.5 लाख मंत्रास उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। 4.5 लाख मंत्रास की उसके अंदर पावर होती है। आप सोचिए, अगर आप वो करेंगे तो आपको कितनी पावर उसका मिलेगा। आप में से कुछ लोग मेरे को नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि श्री विट्ठल जी, आप में शायद से करुणा रेखी सीखा हुआ है, सीखा हुआ है ना आपने करुणा रेखी? मैंने रेकी पहले दूसरी जगह सीखा है, तो उन्होंने नहीं, करुणा सिखाया था रेखी आपने मैं। यहाँ से नहीं सीखा, हमसे नहीं सीखा? नहीं, अच्छा, मैं तुलसीदास ग्रेट जी, मास्टर। हाँ आपने, हाँ ग्रैंड मास्टर तो मुझे पता है आपने सीखा है। तुलसीदास जी, आपने सीखा है करुणा रेखी? ये हम बाहर से सीखा था। अच्छा, तो यहाँ से किसने सीखा था? माही जी आपने, कोई तो होंगे जिन्होंने यहाँ से भी सीखा है। इकबाल जी आपने सीखा है? मैम, मैंने आपसे बहुत सारे कोर्स किए हैं। वॉयलेट फ्लेम सीखा है, वो मैग्नीफाइड रेकी सीखा है, और ग्रैंड मास्टर रेकी 2 बार सीख लिया, और भी मतलब जो आपके हैं और नहीं, कोर्सेज करुणा मैंने भी रेखी अटेंड सीखा किए है हैं। आपने मुझसे? नहीं मैम, आपसे नहीं सीखा, कहीं और से सीखा हुआ है, लेकिन अच्छा दोबारा ठीक, ज्वाइन किया अब फिर से आपसे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर नहीं बैठे हुए जिन्होंने सीखा हुआ है, यहाँ पे वही बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑलरेडी रेकी सीखा हुआ है, या जो लोग अभी ऑलरेडी मनी रेकी सीख रहे हैं वही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को मैंने, उन लोगों के एक्सपीरियंस आपको मैंने सुनाए हैं, दिखाए हैं कि सिंबल्स किस तरीके से काम करते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं ना कि उनको एकदम से उनका, उनको ट्रीटमेंट मिल गया और उनके एनर्जी लेवल ठीक हो गया, या उनके थ्रॉट चक्र पे उसने काम करा, या उनकी नी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो ये सब सिंबल्स की अपनी एनर्जी है। जब हम आपको अटूनमेंट देते हैं, उसके बाद आपकी वाइब्रेशन को जब हम उस यूनिवर्स के साथ सेट करते हैं, हम नहीं करते हैं, जो करता है वो परमात्मा ही करता है, वो एनर्जी ही करती है, वो एनर्जी ही सबको चुनती है अपने लिए। तो वो आपको चुनती है उस कार्य को करने के लिए, और जब वो आपको उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है, तो वो सिंबल्स की अपनी कितनी वाइब्रेशंस होती है जो आपको वहां तक, आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, तो ये सिंबल्स की अपनी एक महत्वता है।
और वही सिंबल्स के लिए ही हम लोग ये सारे कोर्सेज में अलग अलग हर एक कोर्स के अंदर, जैसे मैग्निफाइड हीलिंग के अंदर हमारे अलग सिंबल्स हैं, वॉलेट फ्लेम रेकी के अंदर हमारे अलग सिंबल्स हैं, करुणा रेकी के अंदर हमारे अलग हैं। तो ये सब एक सिंबल्स हैं जिनको हम तरह तरीके से यूज करते हैं। हर एक जब हम लोग वो सीखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें, जैसे उन्होंने बोला कि अब मैं कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करने वाला हूं, तो मैं अभी मैं विचार कर रहा हूं कि मुझे कैसे उसके ऊपर काम करना है। तो वो सिंबल्स आपको खुद, आप उसमें से डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है, कहाँ पर वो सिंबल्स को यूज करना है। तो इसीलिए ये सिंबल्स का ही सारा इसके अंदर जो होता है ना काम होता है वो यही। ये हमारा जो कोर्स है ये हमारा 16 मार्च से स्टार्ट होगा। 16 मार्च को हमारी पहली क्लास होगी करुणा रेखी की, ठीक है? चलिए नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, डेट पॉस्टपोन नहीं हो सकती है, डेट हमारी 16 मार्च को ही है। मे बी हो भी जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट एट प्रेजेंट हमारी 16 मार्च ही रहेगी। बाकी 16 मार्च तक क्या हो जाता है, वैसे तो 99.9% यस 16 मार्च ही है, और अगर किसी कारणवश चेंज होगा तो वो फिर बता दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। हाँ, सभी तरह के जो भी आप कोर्सेज करते हैं सभी के सर्टिफिकेट आपको मिले, हर कोर्स के सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। तो करुणा रेखी का भी आपको सर्टिफिकेट मिले, ठीक है? और कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इस वेबिनार को यहीं पे। मैम एक नमस्कार, मुझे क्वेश्चन पूछना है, था। पास्ट लाइफ तो देखिए हमारे हर कोर्स में ही हम हील कराते हैं और इसमें भी हम कराएंगे, ठीक है? होगा मैम जो इसका लेवल 1 और 2 होगा वो उसी रेखी जैसा ही होगा? नहीं, लेवल 1 और 2 हमारा अलग होगा। लेवल 1 में अलग चीज होगी, लेवल 2 में अलग। सिंबल्स तो हम सारे लेवल्स में कराएंगे, उससे ही रेकी के जो हमारे लेवल 1 और 2 के सिंबल्स हैं उसका मैं आपको अटूनमेंट दूंगी, प्लस मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा समझाना जरूरी इसलिए क्योंकि जो लोग न्यू होंगे जिनको नहीं पता, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए उनको समझाना पड़ेगा कि ये सिंबल को हमने कैसे यूज करना है और इन सिंबल्स का हमारा क्या यूज यूज होता है और हमें उन्हें कैसे क्या मतलब होता है, वो सारा उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन लेवल 1 के अलग सिंबल्स है, लेवल 2 का अलग है, लेवल 3 के अलग। उसे ही रेकी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसे ही रेकी के सिर्फ 3 सिंबल्स को मुझे सिर्फ इसलिए आपको समझाना है कि जो लोग नहीं जानते होते हैं, जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ रेकी, लेवल 1 2 नहीं किया हुआ, ताकि वो उस चीज के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि और हीलिंग्स में वो उस चीज को कनेक्ट कर पाए, तो ठीक है? बेसिकली मेरा हार्ट क्वेश्चन था, करुणा रेखी हार्ट चक्रा की हीलिंग है बेसिकली। ये बेसिकली हार्ट चक्र यस की हीलिंग नहीं है, बेसिकली ये हमारे कर्मास की हीलिंग है। जैसे अभी पूछा उन्होंने पास्ट लाइफ, ये हमारे कर्मास की हीलिंग है। और डीप, हमारे डीप जो भी हमारे, क्योंकि जितनी भी कोई भी ब्लॉकेज होती है आपके कर्मास से रिलेटेड, वो आपके हार्ट चक्र पे आएगी ना, हाँ जी, और फिर उसी से वो आपकी फुल बॉडी पे आती है, परेशानियां आती हैं, डिस्टर्ब होता है माइंड, बीमारी आती है, ये सब तरीके के हीलिंग आती है ना, वो चीज आपके फाइनेंस पे भी डिस्टर्ब करती है, वो आपकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है, वो आपके रिलेशन को भी डिस्टर्ब करती है। तो ये हर तरीके से आपको हील करेगी, हर ओके। तरीके से आपके इमोशंस को बैलेंस करेगी, ठीक है ना? जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। मैं ना मेरा कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, वो नहीं हो रहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये कोर्स करने के बाद मतलब करुणा रेखी के सब लेवल इसमें कवर होते हैं? हाँ जी, इसमें सारे लेवल आपके कंप्लीट होंगे कम। अच्छा, और मुझे ये पूछना था, जैसे आपके साथ ये रिपीट फ्री रिपीटेशन होता है इसका, हाँ या जी, हमेशा पेड? नहीं, फ्री नहीं, रिपीटेशन है। अभी आपने बोला था ना, पार्टिसिपेंट्स जो पहले एग्जिस्टिंग जो है उनको भी पेड है अभी नहीं, फ्री होता है, तो। नहीं, ना ना अभी फ्री। तो जैसे आप हर वीक कंडक्ट करते हो तो, सॉरी, हर मंथ कंडक्ट करते होंगे तो आपके साथ वो कर सकता है? हर मंथ नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार वो कर सकते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो हर सारा फ्री था, अभी शायद से इन्होंने 2 बार या 3 बार करा है।
आप दो टाइम तक कर सकते हैं, मतलब आप जैसे आपने आज करा है और अच्छा वन टाइम करा है, मतलब जैसे आपने ये कोर्स करा इसके बाद आप दोबारा से उसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं बस। हाँ जी राहुल, राहुल जी आप श्री विट्ठल जी, हाँ बताइए आप कुछ पूछ रहे थे ना श्री विट्ठल जी। हाँ मैम, एक करुणा का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कंपैशन काइंडनेस वैसा आता है, हाँ तो हाँ ये कंपैशन है या मतलब तो प्यार जो है लव है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है तो करुणा, जैसे मैंने बोला ना जैसे एक माँ अपने बच्चों से करुणा करती है, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो उनकी एक ममता होती है, आप उसको ममता का नाम दे सकते हैं, ममता, एक निस्वार्थ प्रेम, ओके ओके ठीक है, समझ में। एक निस्वार्थ प्रेम। और इसमें क्वान इन का नाम लिया है, और कोई है क्या लाइक वही मेन गॉडेस है या और कोई, मतलब नहीं, मैंने गॉडेस लास्ट टाइम क्वाइनेम, क्वाइनेम को ही हम इसमें इन्वोक करते हैं, गॉडेस क्वाइनेम जो कि करुणा की देवी है, जिनका आपको मैंने बताया कि चाइना, वो चाइनीज हैं, चाइनीज गॉडेस हैं, चाइना में उनका बहुत बड़ा एक मंदिर भी है, लेकिन विद्या तो ये हमारी भारत से ही आई है ना, कि विद्या हमारे भारत की ही है, ये विद्या हमारी भारत की थी, जिसको डॉक्टर मिकाओ उसी ने भारत में आके ही उसको सर्च किया था, भारत में आके ही उनको वो सारे, जब वो मेडिटेशन पे बैठे थे 21 डेज के, तो उनको ये सिंबल्स भारत से ही मिले थे। अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो ये हमारी बुद्धास की है, जो हमारे बुद्धिस्ट बुद्ध लॉर्ड बुद्धा हैं उनसे ये विद्या आई है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ, जब उसके ऊपर काम नहीं हुआ तो डॉक्टर मिकाओ उसी ने उसके ऊपर काम करा, और जब डॉक्टर मिकाओ उसी ने उसे ही रेकी, जो हमारे जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड मास्टर जिस पे हम करते हैं, फिर उसके बाद ये आए हमारे डॉक्टर विलियम ली रैंड, उन्होंने इसके ऊपर और सर्च किया, जो स्पेशल जो उन्होंने करुणा रेकी बनाई, जब उन्होंने जैसे लेवल 5 के अंदर जब हम मेडिटेशंस करते हैं, हम सीखते हैं सिंबल्स, उसके ऊपर उन्होंने और काम करा, वो फिर उन्होंने इसको सिंबल्स के माध्यम से, मेडिटेशंस के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से एक कोर्स को डेवलप करा जिसका नाम है करुणा रेकी। तो वहां पर हम जो मदर क्वाइनेम है वो करुणा की देवी है, तो जब वो वहां पे मेडिटेशंस में बैठे, सब कुछ उन्होंने किया, तो वहां पर उनको वो मिली, वो दिखी, उनका उनके साथ कनेक्शन हुआ, फिर ये धीरे धीरे इस तरीके से उन्होंने उसको डिजाइन करा कोर्स को, और फिर वो धीरे धीरे लोगों ने उसको समझना शुरू करा, और धीरे धीरे करके आज हम भी उसको समझ रहे हैं, ठीक है ना, हम भी उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैंने लास्ट टाइम जस्ट सुना, आई जस्ट वांट टू, आई एम जस्ट क्यूरियस कि इसमें करुणा रेखा में श्री कृष्ण जी, जीसस क्राइस, वो सब भी शामिल है डिजाइन में, वैसा कुछ है क्या? देखो श्री कृष्ण भगवान तो भगवान सब जगह ही हैं, श्री कृष्ण भगवान तो सब जगह ही हैं, और रही बात जीसस जी की, तो वो भी तो उन्होंने भी तो वही करा था ना, करुणा उनके अंदर भी तो करुणा ही थी, उन्होंने भी तो क्या किया था ना, हील ही करा ना सब, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बाकी आप हर एक जो व्यक्ति होता है उनकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, वो उसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है अपनी भावना, ठीक ओके मैम, ओके, थैंक्स थैंक्स। हाँ जी आभा जी बताइए। मैम इसमें भी ग्रैंड लेवल होगा, ग्रैंड मास्टर लेवल होता है? हाँ मैंने बताया ना इसके 3 लेवल हैं, ओके ओके इसके 3 लेवल हैं, लेवल 1 2 एंड 3। हाँ जी हाँ, अभी ये क्वेश्चन किसी का आया है, एट व्हाट टाइम, तो ये हमारा है 5:30 बजे, 16 मार्च से स्टार्ट होगा, एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे 5:30 PM, ठीक है, चलिए 5:32 मैम, विच फाइव टू थर्टी टू व्हाट टाइम? सेवन 5:30 to 7 और 7, देखो ऐसा टाइम का कोई वो नहीं होता, मेन तो 5:30 to 7 ही होता है, उसके अलावा कई बार हमारे 15-20 मिनट ऊपर ही हो जाते हैं क्लास के अंदर, तो उसका कोई वैसा बात नहीं है, बट जो टाइम है वो 5:32 से, ठीक है, चलिए। हाँ जी डॉक्टर उसका जसमीत जी, टू हाँ मंथ्स प्रैक्टिस भी रहेगा मैम डेली।
प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं आपको, सिंबल्स का प्रैक्टिस कराते हैं, कोई कोई वर्कशीट्स भी आपको देते हैं कि आप इसको करें। जैसे अभी उन्होंने बताया कि उस उनको हमने मनी रेकी में उन्होंने ग्रैटिट्यूड का करा, तो उनको मालूम चला कि उनके पास कितना कुछ है थैंक यू बोलने के लिए, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आने के लिए। तो उसी तरीके से करुणा रेकी में भी आपके कुछ कुछ हम लोग करवाएंगे बीच बीच में वर्कशीट वगैरह, वो इसलिए ताकि आप उन चीजों को समझ पाए और वो चीजें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आए, ताकि आप अपने बारीकी से उन चीजों को समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। ये नॉर्मली ग्रैंड हम, मास्टर लेवल का होगा मैम, हाँ जी क्या बोला आपने? ये ग्रैंड मास्टर लेवल हाँ का? ये ग्रैंड मास्टर लेवल का है, हाँ जी ये पूरा कोर्स है, हम लोग यहाँ पे सारे कोर्स पूरे ही कराते हैं। ठीक है मैम April 1st से ही पहले 4 क्लासेस में आप Level 1 के अटेनमेंट देते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि 4 क्लासेस में Level 1 का अटेनमेंट देंगे, ये तो अब देख लेंगे कैसे मैनेज होगा। मैम, इफ यू मिस द अटेंडमेंट ऑन दैट टाइप क्लास, व्हाट वी हैव टू डू? अगर आप लोगों का अटेनमेंट मिस हो जाता है तो हम लोग उसमें रिकॉर्डिंग्स देते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम बीच में जब हम दोबारा से अटेनमेंट देते हैं तो उसमें ही हम आप लोगों को दोबारा से भी अटेनमेंट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ पे जो लोग सीखा हुआ है उनसे पूछिए, हम एक बार कई बार एक ही अटूनमेंट को दो दो तीन तीन बार भी देते हैं, जिन लोगों की मिस हो जाता है, जो लोग रिपीट करना चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं। एंड ऑल द लेवल्स टुगेदर दैट इज 2000 अलग अलग सिक्स अटूनमेंट, हर लेवल का अलग अलग अटूनमेंट, मैम, फॉर ऑल द 3 लेवल्स द फीस इज 2085, और फॉर ईच लेवल इट इज फॉर ऑल लेवल, ऑल लेवल है। पुट टुगेदर 2685। एक बार फिर भी कंफर्म कर लीजिए, बट ये ऑल लेवल ही ओके है। हाँ जी डॉक्टर धर्मेंद्र जी बताइए। हेलो मैम, हाँ मैम जी अगर कोई क्लासेस बीच में छूट गई तो दिक्कत तो नहीं होगी? रिकॉर्डिंग से तो हो जाएगा, लेकिन एटिटमेंट वगैरह या कुछ और कोई क्लासेस मिस हो गई तो? एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ मैं आपको सुन रही हूँ, एक मिनट रुकिए। नहीं वॉइस प्रॉब्लम लग रही है। आपको मेरा वॉइस आया नहीं था क्लियर? नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अभी आ रही है मैम। मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई क्लासेस बीच में मिस हो गई तो चलेगा ना? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अटेंडमेंट 2-3 बार भी बीच में हो जाएगी वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए कोशिश यही करिए कि जब अटूनमेंट का टाइम हो, क्योंकि जो टाइम हम लोग बनाते हैं अटूनमेंट का, मतलब जिस टाइम पे अटूनमेंट दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है तो कोशिश करिए कि अटूनमेंट की जो क्लास हो वो आप ना मिस करें, उसको आप जरूर लें। बाकी तो और क्लासेस के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, और जो हम अटूनमेंट देते हैं अटूनमेंट को भी हम 7 डेज के लिए स्टेप वहां पे स्थापित करते हैं, तो आप उसको 7 दिन के अंदर कभी भी अटूनमेंट को ले सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो देखो जब आप लोगे तभी आपको उसका एक्सपीरियंस, हर व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं यहाँ पर किसी को भी बोल सकती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस बताएं, तो वो अपना एक्सपीरियंस आपको बता भी देंगे, जैसे अभी बताया भी है लोगों ने आपको अपना एक्सपीरियंस। लेकिन जब तक आप खुद उसको फील नहीं करेंगे, जब तक आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे उस फीलिंग को। तो उस फीलिंग को समझने के लिए आपको खुद से लेना पड़ेगा। अगर आप अट्यूनमेंट का जो हमारा निश्चित समय है, अगर आप उस समय पर ही अट्यूनमेंट लेते हैं तो ज्यादा आपके लिए अच्छा, ज्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो आप ज्यादा अच्छी एनर्जी उसको महसूस करेंगे। नहीं तो हमने उसको 7 डेज के लिए स्थापित करते हैं, उन 7 दिन के अंदर भी अगर आप वो अट्यूनमेंट लेंगे तो भी आपको अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आप वो 7 दिन भी नहीं लेते हैं और फिर बीच बीच में अगर हम आपको अट्यूनमेंट क्लासेस देते हैं, तो उसमें ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उसमें हम इकट्ठा देना शुरू देते हैं फिर, क्योंकि इतना समय नहीं होता है फिर सबको, मतलब जैसे हमने Level 1 का अटूनमेंट दिया, फिर हम Level 1 और 2 का एक साथ अटूनमेंट देंगे, तो बेटर ऑप्शन है कि आप Level 1 का ले लें साथ के साथ क्लास में अटूनमेंट। नहीं तो जो हम एक हफ्ते का आपको समय देते हैं, उस एक हफ्ते के अंदर आप अपना अटूनमेंट को कंप्लीट कर लें। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम महसूस होती है, कुछ भी लगता है, तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं फिर आपसे पर्सनल बात कर लूँ। ठीक है
ओके थैंक यू। थैंक यू थैंक ये वन टू वन या ग्रुप में है? ये हम ग्रुप में ही देते हैं और आपको भी सिखाएंगे कि कैसे आपने भी अगर कल को आप भी सिखाएंगे तो वन टू वन में भी आपने कैसे अटूनमेंट देना है और ग्रुप में भी आपको कैसे अटूनमेंट देना है। ओके और ऐसा थैंक नहीं यू। है, आप चाहे वन टू वन में करें चाहे ग्रुप में करें, आपको एनर्जी सेम ही फील होगी। नहीं वो 5:30 का टाइम था ना, इसलिए ने मेरा पूछा था अगर कुछ मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए मैं पूछ रहा था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं, कोई ऐसा ओके कुछ थैंक आपको यू। प्रॉब्लम फील नहीं होगा। अगर आपको बाय चांस कभी होता है कि कई बार हम लोग कहीं बिजी हो जाते हैं या कोई ऑफिस टाइम होता है कई लोगों का, है ना, तो इससे दिक्कत आ जाती है, तो कोई बात नहीं ना, तो हम आपको जो 7 डेज देंगे ना आप उसमें ले सकते हैं, उसको कभी भी ले सकते हैं अटूनमेंट रिकॉर्डिंग से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको उसमें भी कुछ लगता है कि नहीं आपसे नहीं हो पा रहा है या आपको कुछ जो भी आपकी होगा उस वक्त में थॉट प्रोसेस, आप मेरे को पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर फिर सोचेंगे कि हमें आगे उस पर कैसे बेटर उसको हम कर सकते हैं। ठीक है ओके क्लियर मैम। चलिए। फ्राइडे 4 o'clock तो हमारी नॉर्मल रेकी क्लास है। हाँ नॉर्मल एक क्लास हमारी हो जाएगी ना तब तक, तो उसी तरीके से हमने कोर्स को डिजाइन करा है, आप टेंशन ना लो उस चीज की। मतलब बैक टू बैक हो जाएगी। नहीं बैक टू बैक नहीं होएगी, बैक टू बैक अगर होएगी भी तो एक ही क्लास बैक टू बैक आएगी, बाकी क्लास हम मैनेज करेंगे, हम देखेंगे उसको कैसे मैनेज करना है। बैक टू बैक में अगर कोई क्लास आएगी, जैसे आज आपकी बैक टू बैक आई 4 o'clock के बाद 5:30 उसी दा आपकी, फिर आप लोगों हाँ ने फ्राइडे को एक, हो जाएगा ना। तो एक ही बार आप नहीं, सिर्फ एक ही फ्राइडे को आपको ऐसी दिक्कत आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, उसका भी हमने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। और अगर आ भी गई तो अच्छी बात है, कभी कभी 3 घंटे तो हम नॉर्मल क्लास भी ले लेते हैं। तीन ठीक है घंटे तो हमारी, अभी तो हमारी आजकल 7:30 बजे ऐसे क्लास होती है ना, जब हमारी रात को 9 बजे वाली क्लास होती थी ना, पूछिए कि हमारे को 3 घंटे लगते थे, 12 12 बजे भी हमें लगता था अभी हम और क्लास कर ले, हम उसको खत्म ही नहीं करते थे 12 बजे तक भी। कुछ ही यहाँ पे जो पुराना कोई बैठा होगा तो वो आपको बता सकता है, तुलसीदास जी आप बताइए, बताइए तुलसीदास जी। जी। वो 12 बजे फिर भी लगता था कि और आगे चले और आगे आगे हो चले, जाए क्योंकि क्लास। उसमें एनर्जी फ्लो ही ऐसा था कि और कहने का बात नहीं है। हाँ तो वो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप थक गए हो या कुछ हो गया, ये आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको खाना बनाना है, किचन में जाना है, और खाना भी बनाना है तो आप 7 बजे के बाद बना सकते हो, है ना। जी चलिए मैम, जैसे आपने बोला कि आप वो सिंबल स्थापित करते हो, हाँ तो ये कोर्स में आप ये भी सिखाओगे हमें कि कैसे सिंबल स्थापित हाँ करना? बिल्कुल, जब आपको ग्रैंड मास्टरशिप सिखाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें सिखाएंगे, तभी तो आप किसी और को कर पाएंगे ना। ठीक मुझे है तो करना है लेकिन मुझे टाइमिंग का थोड़ा ये लग रहा है। कौन बोला, किसने बोला, नाम मैं बताइए। सोनिया बोल रही हूँ मैम, मेरा ही वीडियो नहीं ऑन हो रहा है क्योंकि अच्छा अच्छा ओके 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 मैं यूएस में हूँ, तो मेरा वो ओके टाइमिंग आपका 5:30 का, और बीच में मैं ट्रैवल ट्रैवल भी करूँगी तो मुझे ऐसा लग रहा है वो वीकेंड आ रहा है ना, फ्राइडे सैटरडे। अरे तो आप रिकॉर्डिंग से करिए ना, अभी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं उनका टाइमिंग नहीं मैच होता, बहुत सारे लोग हमारे पास नहीं मेडिटेशन। रिकॉर्डिंग का तो फिर वो मुझे करना ही नहीं है, रिकॉर्डिंग के तो ऐसे बहुत सारे वो ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं। मैंने भी रेकी किया हुआ है लेकिन मुझे, मैंने इसलिए आप आपकी टीम से पूछा था, मुझे जूम मतलब यही बेस्ट ऑप्शन लगता है, मैं वही सोच रही हूँ ये, क्योंकि बीच में फिर सैटरडे आता है ना, तो सैटरडे का यहाँ पे हमारा घूमने का कोई टाइम नहीं होता है। देखिए टाइम देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, तो थोड़ा सा नहीं अभी तो मैं मैनेज। फिलहाल यूएस में आई हूँ तो वो पाने के लिए, इसलिए तो मेरे को करना है, लेकिन ऐसे नहीं होता, मैं घूमने आई हूँ तो मैं घूम, तो मैं थोड़ा सा देखती हूँ टाइमिंग का हो जाए तो। हाँ आप देख लीजिए उसको, आप देखिए अगर आप सच में घूमने के लिए आई हैं तो आप जिस काम के लिए आई हैं तो पहले उसी काम पर फोकस करिए, बिकॉज नेचुरल है आप अपना कीमती समय निकाल के उस समय के लिए आई हैं, तो नेचुरल है इंसान जो काम के लिए आता है अपना माइंड सेट उसी तरीके से करके आता है ना, तो उससे चीज के तो साथ तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमने अपना कीमती समय
अपना पैसा अपना हर चीज मैनेज करके हम वहां तक आए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी रही बात रिकॉर्डिंग की, तो ऐसा नहीं है कि जैसा आपने बोला कि YouTube पे इतनी रिकॉर्डिंग है, ये है वो है। पहली बात तो अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, और दूसरी बात जो हमारा YouTube पर जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वो पूरी नहीं होती है, वो हाफ होती है। उसके अंदर सिर्फ आपको अवेयरनेस दी जाती है, आपको सिर्फ बताया जाता है कि ये काम को आप ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ आपको अवेयर किया जाता है। उसके अंदर आपका पूरा कोर्स नहीं होता है कि अगर आप सोचें कि आप YouTube से रिकॉर्डिंग से उसको देखकर अगर आप सोचें कि आप कर सकते हैं तो वो नहीं पॉसिबल। उसमें सिर्फ आपको अवेयर किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये चीजें हैं। अब वो कैसे करनी है, कैसे उस पर काम करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, वो सब तो आपको कोर्स के माध्यम से ही पता चलेगा। और रही बात कि आपको रिकॉर्डिंग में वो एनर्जी नहीं है, तो देखिए आजकल तो सभी कुछ इस तरीके से होता है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग से ही जो अटूटमेंट लेते हैं। अगर आप देख लास्ट हमारे जो मनी का वेबिनार था उसमें हमारे कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल थे, मैं ग्रुप में उन बोलूंगी कि आपको शेयर करेंगे। रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी अगर आप वो ले रहे हैं, अपना अटूनमेंट ले रहे हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी, तब भी एनर्जी इज सेम, एनर्जी में कोई भी बदलाव नहीं होता, एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। और जो लोगों ने लिया भी है यहाँ पर रिकॉर्डिंग से, वो अपना बता सकते हैं। अभी वैसे बहुत सारे लोग बता भी चुके हैं, पर अगर कोई बैठा है यहाँ पर ऐसा व्यक्ति तो वो बताए कि रिकॉर्डिंग से। मैम आई वॉन्ट टू से समथिंग, हाँ बताइए बताइए। जो भी प्रश्न पूछा था ना, उसका नाम सोनिया है ना। हाँ। सोनिया जी, अगर आप एक तो मैम का क्लासेस अटेंड किया तो यू डोंट इवन फील लाइक ट्रैवलिंग आउट, यू कैन फोकस, ऐसे नहीं होता, सो आई कैन प्रैक्टिकली गारंटी उतनी यू दैट। फिजिबल नहीं होता, क्योंकि आप कहाँ घूमने आए हो तो मैम ने जैसे बोला ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली जो चीजें फिजिबल नहीं होती वो नहीं होती। ठीक है, तो लाइक माय एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ, क्योंकि नहीं, आप अमेरिका अगर आपका घूमने आए तो टाइम, आप ये नहीं बोलोगे ना आपके ग्रुप को या इसको कि मुझे क्लास है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता, ये मुझे मुझे करना है इसलिए मैंने मेरे क्वेश्चंस ये किए। प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं होता चीजें। अच्छा कब तक रहते यहाँ हैं का आप टाइम देख, अमेरिका? नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए ठीक है, मैं कोई खुद बात नहीं। यूएई आप में रहती हूँ, मैं दुबई में 20 साल से रहती हूँ, मैं अभी अमेरिका घूमने आई, तो मेरे को पता है जो घूमने आते हैं लोग तो उनका माइंड सेट क्या होता है। तो मैंने आपको बोला ना कि जी आप अगर मैम, किसी मैंने आपकी बात माइंडसेट सुनी, वही तो मैं सोच रही हूँ। से व्यक्ति आता है तो फिर वो पहले वही काम करे जिस जिसके के लिए ये आप मेरे को वो आए। ये पॉइंट आपका यही वैलिड लगा कि थोड़ा सा सोच के मैंने करना चाहिए। ऐसे नहीं मैं दोनों नाव पे पैर रखूँ और कंफ्यूज और उस दोनों का बेनिफिट नहीं लेता हूँ। हाँ ठीक है ना, तो जो चीज आपको ज्यादा उसके लिए लग रही है आप पहले उस चीज पे करिए। लेकिन आपने बोला ना रिकॉर्डिंग्स, तो ऐसा नहीं होता है, रिकॉर्डिंग से भी आपको वही एनर्जी मिलती है, वही सब कुछ मिलता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप करें या फिर ना करें, ये सबकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है ना, अब किसी की कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना उसके लिए, तो फिर या तो पर्सनल, पर्सनल तो हम नहीं कराएंगे, यहाँ पे ग्रुप में है तो ग्रुप में ही क्लास होगी, पर्सनल क्लास तो नहीं लेते हैं ना, तो वो आप फिर उस हिसाब से आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी वो चीज। ठीक है ना, जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्लास को वाइंड अप करती हूँ, और हम मिलते हैं अपने क्लास के अंदर जो हमारी 16 मार्च से स्टार्ट होगी। चलिए चलिए, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू यू मैम, मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ओम साई राम।